हेलो गुड मॉर्निंग क्लास आवाज आ रही है आप सबको ठीक yes. है स्टार्ट करते हैं क्लास आज हम लोग ना पोमोलॉजी से स्टार्ट करेंगे ठीक है पोमोलॉजी में बहुत से है क्वेश्चन आज फोल्डर वन है उसका वैसे करके क्रॉप के साथ साथ जो बीच में आती जाएगी चीजें ना वो चीजें ऐड कराया कराए और वो जो ग्रुप में डाला था ना आप लोग को एक टेबल जो का था वो आप ना अच्छे से याद कर लो उसको क्योंकि हर जगह यूज होगा और अगर उसको अगर हम ब्रीफ करने जाएंगे ना तो फ्ला, फ्ला, फ्रूट के क्लासिफिकेशन में बहुत टाइम खा जाएगा कम से कम चार क्लास ले जाएगा और हमें मिलेगा उतना ही हालांकि तुम्हें तो पता चल जाएगा कि क्या चीज कैसे कैसे आ रही है लेकिन मिलेगा उतना एक पेज ही कि पाइन का फ्रूट क्या है और कौन सा पार्ट खाते हैं ये सारी चीजें इसीलिए मैं ढूंढा हूँ मैं भी बना के रखा हूँ टेबल लेकिन ये है कि ना जो ग्लास्टर्स में दिया है सबसे ईजिस्ट वे में तुम लोग को याद करने में भी इजी पड़ेगा और थोड़ा कंपेयर वे में है ना तो हो जाता है मतलब जो चा, तीस चालीस पेज का होना चाहिए वो एक पेज में है अभी ऐसी एक और टेबल है जो फ्रूट क्रॉप का ही है वो भी ग्लास्टर्स से ही लिया हूँ होने को मेरे पास भी था टेबल लेकिन इनका कंटेंट मेरे को अच्छा लगता है मैं भी प्रीफर करता हूँ कंपेयर फॉर्म में है तो एक साथ में पाँच छह चीजें याद हो जाती है मल्टी वो टेबल है वो ठीक है तो उसको मैं एड किया हूँ अगर आप चाहोगे ना तो उसको मैं आप लोगों को बना के डॉग बना के दे दूंगा उसको प्रिंट कर लेना और कंटिन्यू देखते रहो देखने से ही याद होगा क्योंकि वो सारी फैमिली क्लासिफिकेशन है ना वो रटने से तो जाता नहीं है थोड़ा टाइम लेता है तो वो चीजें जैसे ये सारी चीजें ना उस टेबल फार्म में आगे टेबल में तो इसमें है वो और मैं आपको पर्टिकुलर टेबल भेज दूंगा ताकि आप लोग प्रिंट करा लो और उसे देखते रहो बस उसमें हो जाएगा जैसे इसमें पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर तो पहले है फैमिली ऑफ गोआवा इसमें कोई सेंस नहीं है कि कैसे समझे क्या चीजें ये सारी चीजें रटने की है ये आपको पता है मेरे को पता है इसलिए इसको हम जितना ज्यादा टेबल फॉर्म में याद करें सिंगल याद करेंगे क्या होगा यही याद होगा अगर इसी जगह हम पांच चीजें याद कर दे सपोज की ये, ये हमारा मैट्रेसी फैमिली में आ रहा है उसमें और कौन कौन आ रहा है इसको याद करे तो एक साथ मल्टी टारगेट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना तो यही है कि देखो फैमिली ऑफ गोआवा क्या है इसके मैट्रेसी फैमिली में आता है ना अब यहाँ एक मोरेसी फैमिली है ना है पुनिका सेपा है ठीक है मोरे केसी और म्यूरी केसी में कंफ्यूज मत होना एम यू का अंतर होता है यहाँ पे ठीक है ऐसे यू और वो यू वाला जो है ना म्यू वाला मोर केसी वो बनाना वाला याद रखना म्यूरे केसी मोरे मोरेसी है आपका फीक का है ठीक है कंफ्यूज मत होना अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ ये एक का ही बुक का ही है तो ये देखो ये अच्छे कंपेयर फॉर्म में है ना इसीलिए मैं इसको आपको दे रहा दिया इसमें सारी चीजें एक साथ है आपको देखो पहले उस दिन क्वेश्चन सॉल्व किए थे मोनोकॉट डाईकॉट का सॉल्व किए थे ये आपको सीधा सीधा मिल गया डाईकॉट रखने की जरूरत ही नहीं है मोनोकॉट देख लो सीधा तीन फैमिली है ब्रोमिली डेरी वाला आ जाता है हमारा ये बताया ना मुरीकेशी एम मु यू का अंतर है और मेरेसी देखो ये अंतर ठीक है यह कंफ्यूज मत होना हल्का सा बस ओ यू का अंतर है इसमें आपका आएगा फीग आएगा जैक फ्रूट आएगा इसमें मेजर है मीरू कैसिम बनाना ठीक है तो ये है इसमें मोनोकार्ट याद होगा डाइकॉट याद होगा ठीक इसके साथ आपको क्या याद होगा कॉमन नेम इसको और क्या क्या बोलते हैं इसमें दिया हुआ है उसके बाद साइंटिफिक नेम उसके बाद क्रोमोजोम नंबर भी है ओरिजिन भी है और साथ ही जो टेबल दिया था ना आपको उसका फ्रूट टाइप भी है तो आपको बेरी ड्रूप ये सब एक साथ याद होगा इसीलिए मैं इसको अटैच कर दिया हूं और सबसे इजिस्ट वे में ठीक है तो अब इसके साथ जाना अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको दो पेज निकाल लो एक पेज और है दो पेज निकाल लो रखे रहो देखते रहो हर हफ्ते देखो बस उसमें याद हो जाएगा इसका ठीक है तो ये सारी चीजें लाइन से दिया हुआ है इसमें अब जैसे आगे एक और टेबल है इसके बाद जो होगा ये इतना है इंड है इतना इसमें है फ्रूट में बस ठीक है तो आपको एक साथ पैकेज एक ही जगह मिल जाएगा और अभी जितने भी क्रॉप पड़ेगे सपोज अभी गुआवा के स्टार्ट करें ना उसके बाद और कोई चीजें आएगी सेट्रस का आएगा फिर ढूंढेंगे कहाँ जाए कैसे जाए आपको एक जगह बना बना पका पुकाया मिलेगा ठीक ये क्लासिफिकेशन फ्रूट का इसमें वो और क्लासिफिकेशन है ये ज्यादा जरूरी है तो ट्रॉपिकल फ्रूट सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिड ये चार चीजें जान लो इसमें क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है एप्पल को और सॉरी गुआवा को और क्या बोला जाता है फ्रूट्स ऑफ ट्रॉप फ्रूट्स ऑफ ट्रॉपिक बोला जाता है ना एप्पल ट्रॉपिक्स एप्पल बोला जाता है तो आदमी कंफ्यूज हो रहता है अरे ये तो टेम्परेट में है एप्पल और कैसे गुआवा को बोल रहे हैं तो ये जो ट्रॉपिकल का है ना उसका एप्पल के नाम से जाने जाता है इसीलिए ट्रॉपिकल ट्रॉपिक्स ऑफ एप्पल बोला जाता है किसको गुआवा को आगे आएगा वो चीजें तो इसीलिए ये डाल दिया हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो टेम्परेट एप्पल ट्रॉपिकल ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना आप लोग ठीक है वो आगे आता जाएगा ये ठीक है इसको अच्छे से कर लो मैं और भेज दूंगा प्रिंट कर लेना फिर इसके आगे आपको इसमें कुछ नहीं देखना है ठीक है ये गुआवा नोन यही बात कर रहा था ना एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स वो बात की अभी कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है ये वाला तो अब ट्रॉपिक्स का एप्पल है ये ठीक है अब ये मत समझना एप्पल ये टेम्परेट ये कंफ्यूज मत होना ठीक है तो ये रहा आपका गुआवा गुआवासोनो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स बोला जाता है ये तो आप जानते हैं पोअर मेनेप्पल के नाम से ये जाना जाता है ठीक है दोनों एप्पल के नाम से कंफ्यूज मत होना कि एप्पल जाएगा करके एप्पल है इसमें लेकिन बोलते गुआवा को है क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है और इंडिया में और ये ज्यादातर हमारा प्रोडक्शन कहा होता है एप्पल पर रीजन में ना ठंड हिमालय हिमालय हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया इधर साइड अब गोवा रिसोर्स आप कल को बताया था बताओ इसका पूरा सबका एक टेबल बताया था कि और किस किस ने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया कि सब पता था उनको एक बार फिर फाइबर का सर हाँ फाइबर का है ठीक है फीक में भी होता है फाइबर का याद रखना ना जब मत होना फीक में भी मिलेगा आपको लेकिन यहाँ पे फीक का डिस्कशन नहीं है तो क्या आएगा ये आएगा अब इसका बताओ फैट किस में था वालना ठीक प्रोटीन किस में था प्रोटीन केसूनट ठीक है और बी वन uh, और बी टू का बताया था उसमें कंफ्यूज मत होना बी वन किसमें था और बी टू किसमें था बी टू बेल में ना याद रखना हाँ और उसका टेबलो भी, तो भी, तो भी अच्छे से कर लेना क्योंकि ये सारी चीजें आएंगे ही आएंगे और ये ऐसा नहीं है कि हमने अपने क्या चीजें हमने एनालाइज किया है क्वेश्चन पेपर को देखा है इसके इर्द गिर्द क्या घूम रहा है सपोज वो गुआवा पूछा है हमने भी पिछले क्वेश्चन में देखा था फैट के बारे में है ना तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट इर्द गिर्द ही है और रिलेटेड हर एनालिसिस है फ्रूट तो अच्छा है ठीक है तो ये क्वेश्चन अब जानते हैं शुरू से पढ़ रहे हैं अगर एग्रीकल्चर बीएससी में भी जानते हैं ट्वेल्थ में भी था गोवा से होता है ड्यू टू प्रैक्टिस अब देखो इसमें सीधा है गोवा फ्रूट इज सुटेबल फॉर मेकिंग जेली ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पेक्टिन अब पेक्टिन ही क्यों बाकी क्यों नहीं एसिड भी तो अच्छा चीज है केमिकल के लिए विटामिन भी अच्छा चीज है लेकिन बनता क्यों है पैक्टिन का काम सिर्फ याद रखना ये सॉलिडिफाई एजेंट के रूप में काम करता है ठीक है आप इसका एक लाइन में यही इसका क्वालिटी है कि ये सॉलिडिफाई कर सेमी सॉलिड ना एकदम हार्ड नहीं करता आपने जेली को टच किया होगा सेमी सॉलिड रहता है ठीक अब देखो एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि गुहावा के ऐसे कौन सी स्टेज है जिसमें पैक्टिंग सबसे ज्यादा होता है पका हुआ अध पका हुआ या बिना पका हुआ इसमें रहता है किसी को पता है पका पका हुआ आ, हाँ, पका हुआ पका। अब देखो मैं बताता हूँ रीजन क्या है उसका ठीक है तीन स्टेज हमने देख लिया एक तो पका ही नहीं है ठीक है एक एक स्टेज में पका हुआ है इसमें पका नहीं है ठीक है आज पका बोल सकते आज पका नहीं बोल सकते इमेच्योर बोल सकते इसको ठीक है इसमें अध पका है ये अध पका समझ लो ठीक और ये जो रहेगा पूरा पका हुआ एक स्टेज पूरा पका हुआ ये इनिशियल स्टेज है समझो इनिशियल स्टेज है ठीक है ये पका, पका अब देखो इसमें क्या होता है तीन स्टेज है ए बी सी तीनों में इसका क्वालिटी देखो पहले स्टेज में क्या होता है जब ये प्रोसेस में आता है इनिशिएट होता है तो उस समय पैक्टिक एसिड बनता है ये पैक्टिन याद रखना पैक्टिक लिख लो जो फर्स्ट स्टेज रहेगा ना पैक्टिक एसिड रहेगा ये ये सी वाला याद रखना ठीक है पैक्टिक एसिड रहता है ये उस टाइम काम नहीं करेगा सोलिडिफाई एजेंट का क्योंकि ये उस टाइम प्रोसेस है ऑन द वे पे है ठीक है उसके बाद जब बीच में आता है ना तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है उसकी मेच्योरिटी की ओर जाता है वो ये दोनों के बीच की है जा भी रहा है और प्रोसेस भी हो रहा है तो क्या होता है इसमें फिर वो पैक्टिन बनता है ठीक है जो हमें चाहिए होता है और अगर यही स्टेज आगे चले जाए अगर मेच्योर में ले ले तो मेच्योर में यह प्रो प्रोटोपेक्टिन बन जाता है ठीक है ये प्रोटोपैक्टिन बन जाता है प्रोटोपेक्टिन ठीक तो ये हमारा और कोई काम का नहीं हो जाता क्योंकि हमें इससे सिर्फ काम है हमारा सोलिडिफाई का काम करे ठीक है तो ये तीनों स्टेज ये आपको मैं बता दिया इस सेंस पे कि हम क्यों स्टेज पे लेते हैं इस स्टेज पे अद पके स्टेज पे और इसका क्या क्या काम है आपको मैं बेसिक नॉलेज के लिए बताया हूं बाकी आपका आंसर ये रहेगा ठीक है अध पके स्टेज में लेते हैं ठीक पैक्टीन के लिए ट्रेनिंग सिस्टम यूज्ड इन गुआवा ट्रेनिंग सिस्टम बेसिकली ब्रॉडली और तीन टाइप के ही होते हैं ओपन सेंटर सिस्टम सेंटर लीडर सिस्टम और मोडिफाइड लीडर सिस्टम एक बार आ गया था कि सेंटर सिस्टम करके आ गया था ना तो कंफ्यूज मत होना लीडर उसमें रहना चाहिए सेंटर सेंटर लीड करता है सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता सेंटर लीडर होता है ठीक है इसका आगे मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ आपको ये रहा देखो इसमें इसको क्या बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम को वेस्ट सेट बोलते हैं ठीक है वेस्ट सेट भी बोलते हैं इसको लिख लेना ये वेस्ट सेट बोलते हैं इसको ठीक इसमें क्या होता है ओपन को आ, कट कर देते हैं यहाँ पे और साइड साइड को बढ़ने दिया जाता है ठीक है ये ऐसे करके फिर बढ़ने दिया जाएगा ऐसे करके तो ये क्या है ओपन ओपन में क्या होता है डायरेक्ट सनलाइट पूरा आता है लेकिन दिक्कत ये होता है कि पानी भी डायरेक्ट प्लांट पे वो होता है ठीक है और उसके बाद आता है सेंट्रल लीडर इसको क्लोज सेंटर बोलते हैं अब चूंकि सेंटर को ले रहे हैं तो यहाँ तो क्लोज हो जा रहा है ना ये सीधा जा रहा है तो ठीक है तो ये सेंट्रल लीडर सिस्टम है और इसको क्लोज सेंटर के नाम से जाना जाता है इसको वेस्ट सेल के नाम से जाना जाता है और इन दोनों का हाइब्रिड मोड समझ लो आप मोडिफाइड लेडी सिस्टम ये बहुत चलता है या मतलब आजकल जनरल यही आ गए हैं इन बहुत कम देखा जाता है इन सब में सबसे ज्यादा ये है क्योंकि ये दोनों टाइप का ले रहे हैं हम क्योंकि ब्रांचेस भी चाहिए हमें और प्लस इन ग्रोथ भी चाहिए अच्छे से प्रॉपर सेप में ही रहता है ठीक है तो अभी ये चलता है तो आपको कभी कभी पढ़ोगे बुक में तो ओपन सेंटर सिस्टम भी मिलेगा गुआवा में और मोडिफाई भी मिलेगा क्योंकि मोडिफाई अभी का जनरेट होके बहुत ज्यादा कमर्शियल हो रहा है तो इसका आंसर बोथ आएगा ठीक है दोनों होता है

यहाँ प्लांट लगा दिए इसमें प्लांट ऐसे ऐसे करके जाएगा यहाँ जो रहता है ना ऐसे नेट लग रहा है ऐसे 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 ठीक तो इसके ऊपर ये जाएगा ऐसे ऐसे जाता है ये इसको टेलीफोन एक और मेथड होता है ऐसे जाता है ये ठीक तो जो नीचे नेट बन रहे ना ऐसे ये हो गया सब जो ऐसे ऐसे तो यहाँ से वो वाइन चूज की जाएगी और यहाँ से ग्रेप्स हमारा लटका रहता है ठीक है यहाँ से ऐसे ग्रेप्स हमारा लटका रहेगा तो ये बहुत कमर्शियल प्रैक्टिस है क्योंकि सबसे इजी वे पड़ जाता है हार्वेस्ट करने का कहा झाड़ में ढूंढेंगे कहा करेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा ऐसे ये स्टैंड में खड़ा हुआ है हमारा प्लांट ऐसे जा रहा है ऐसे घूम घूम के और यहां से हमारा ग्रेप्स आराम से लटका हुआ मिलता है ठीक है तो ये इसका इंपॉर्टेंट याद रखना आंख बंद करके ग्रेप्स में ये ये दोनों अच्छे से कर लो हर बार आ चुका है मैं ये वाले क्वेश्चन अगर ट्रेनिंग क्वेश्चन आता है तो ये दो दो चीजें कहीं नहीं जाती ठीक है तो बॉवर सिस्टम ग्रेप्स में याद आ गया बावन मतलब परगोला याद करो परगोला आपने ऐसे देखा होगा और उसको दो तीन नाम से जाना जाता है ठीक है और इस ये है एप्पल में ठीक है ये सीधा ये तो फोटो से दिख रहा है ये और बहुत सारे टाइप्स है लेकिन ज्यादातर यही चीजें होती है इनमें ये वेस्टर्न कंट्री के यूजेस है ये सब चीजें वो लोग एडवांस करते रहते हैं हमारे पास जनरली ये कॉमन क्रॉप है एप्पल वेपल इसमें ऐसा टाइप तो ले नहीं सकते इसीलिए ये सब कॉमन मेथड यूज है ठीक है ये दो यहां से याद रखना आइडियल स्पेसिंग इज़ इसको कोई बताएगा जनरली आप सोच के बताओ इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें हम क्यों कर सकते हैं नो डाउट लेकिन आप सोच के बताओ कि हमने कितने दूर तक गुआवा रखेंगे तो हमें सही से होगा देखो इसमें आपको अगर सोचोगे तो सही से समझ आ जाएगा कोई बताएगा इसका अंतर इंटू सिक्स इंटू सिक्स देखो ये टेन इंटू टेन बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है तो सिक्स इंटू सिक्स है कुछ चीजें हैं कि आप अगर इमेजिन करो और सेंस लगाओ ना तो आंसर आपको दिखने लग जाता है ठीक है ये बहुत ज्यादा है ये मीडियम रेंज पे है और गुआवा हमारा जानते हो बहुत ज्यादा आम जैसे नहीं होता है अगर रेडिंग पुनिंग प्रॉपर करे तो एक बेसिक अगर सिंपल पूछे तो ये अब तो हो गई ये कंडीशन अब मैं आपको पूछ दू की स्क्वायर सिस्टम स्क्वायर सिस्टम में क्या स्पेसिंग रहेगी गुआवा की अगर आप क्लियरली और शांत मन से सोचोगे तो इन्होंने नहीं पूछा स्क्वायर लेकिन यहाँ पे स्क्वायर सिस्टम ही है कैसे हम अगर हम आपको दे दिए एक एकड़ सपोज की पेड़ लगाओ गुआवा का लगा गुआ आप कैसे लगाओगे बराबर जगह ही दो के लगाओगे ना एक, 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 एक पांच ले लो दस आठ ले लो जो लेकिन लगाओगे प्रॉपर स्पेसिंग में तो स्क्वायर का मतलब ही क्या है स्क्वायर का मतलब ही हो रहा है कि हाल वो एंगल एक ही रहेंगे मतलब चारों भुजा कुछ की क्या रहेगी एक ही दूरी पर रहेगी ठीक है तो अगर यहाँ पे या ना कि आइडियल स्पेसिंग ऑफ गुआवा मतलब यहाँ पे स्क्वायर छिपा हुआ है स्क्वायर भी है ठीक है? है चारों बराबर रहती है, तो आपको एडवांस तो आप मत होना स्क्वायर मतलब यही आएगा वो पूछा ही स्क्वायर है कुछ नहीं पूछा है मतलब स्क्वायर ही पूछा है आगे और अब फिर बात करते इसके एच डी की ये देखो इसमें ये स्क्वायर का बोला था आपको पांच पांच छह छह लेके है और ये इसके लिए सूटेबल है एल फोर्टी नाइन लखनऊ उनचास ये किसका वो है आ, हाँ ठीक L49, है एल उनचास लखनऊ उनचास इसको याद रखना

लेंथ और विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है आपका विड्थ ज्यादा है तो इधर जाओगे लेंथ ज्यादा है तो इधर का लेंथ लोगे तो थ्री इंटू सिक्स या थ्री इंटू सिक्स इसके लिए अलाहाबादी सफेदा और मेडो ऑर्कट के लिए भी वही है वन इंटू टू अलाहाबादी सफेदा मेडो का तो है अल्ट्रा वो उसमें चला जाता है ठीक है अब एक चीज आता है रूट स्टॉक जब हम लोग कभी कभी रूट स्टॉक क्या यूज करते हैं इन नंबर एट्टी टू आप लोग ने ये सुना है लेकिन ये दूसरा नाम दे दिया गया इसलिए नहीं जानते ये इसका ने क्या पता है सृजन याद रखना लिख लो इसको पूजन सृजन ठीक है ये स्टॉक है इसका डॉर्फिंग के लिए गुआवा का ठीक है अच्छे से याद कर लो पुषा सृजन और ये 82 के नाम से भी अगर ये नाम दे दिया ना

ये रहा ठीक सबसे पहले बात करते हैं अम्दे अम्दे का नाम ही आया है आम से अमिया बोलते थे इसको जब ये नाम आम, आम तो का आप लोग ने फ्लावरिंग कब देखा है जनरली आप कब खाते हो वो मत बताओ फ्रूटिंग कब आता है फरवरी मार्च में वो मोर पकड़ना बोलते आप लोग ने देखा होगा सुना होगा है ना तो कब आता है फरवरी मार्च में इसीलिए इसका नाम ना अंबे बहार पड़ा याद रखना आम से ही पड़ा अमिया मतलब आम ही होता है है ठीक तो अब अम्बे में क्लियर मतलब बिगनिंग ऑफ द सीजन समझ लो शुरू से आ रहे जब शुरू आया तो हमारा क्या आ गया अंबे बहार ठीक उसी टाइम अगर ऐसे याद करो कि सरस्वती पूजा भी होती है अंबे माँ बोलते हैं ना उसको तो उस टाइम बिगनिंग होती है तो उससे याद रखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है फ्रूटिंग पूछ देते हैं कंफ्यूज और आपको फ्लावरिंग पूछ देते हैं कंफ्यूज एक साथ में आपको क्लियर बता रहा हूँ ठीक ये क्लियर हो गया आ गया अब यहां से याद रखो अब तो आ गया हमारा फ्लावरिंग आग बंद करके याद रखो कि पांच फ्लावरिंग के पांच महीने बाद हमारा फ्रूटिंग होगा बस बाकी मत देखो उधर कोई मत, मत देखो अब यहां से पांच महीने काउंट करो फरवरी से फरवरी फरवरी के मत देखो मार्च अप्रैल मई जून और ये जुलाई पांचवा महीना आ गया जुलाई यहां से काउंट करोगे यहां से हमारा डिस्टेंस याद रखो पांच मन बस अब इसको तुम लोग भूल जाओ मत याद रखो कोई जरूरत नहीं इसको ठीक है बस यहाँ याद रखो अम्बे बहार हमें याद हो गया अम्बे बहार क्या था फेब मार्च था हमारा ठीक आम, के कारण याद हुआ पहला था अब फेब मार्च था पांच महीने बाद उसका प्रोटीन होगा बात खत्म ठीक फ्लावरिंग आ गया उसका फ्लावरिंग भी देख लिए सेकेंड आते हैं मृग बहार मृग बहार को रेनी सीजन भी बोला जाता है इसमें कोई ऐसा नाम को दिया नहीं था लेकिन क्या होता है जब बारिश होती है ना तो मृग से याद रखो मृग मयूर डांस करते जनता की उससे याद रखो कि जब बारिश होती है तो उनका मौसम खेलने कूदने का आता है ठीक है तो मृग से याद रखो मृग बाहर तो ये सबसे बेस्ट मृग में होता है ना सर हाँ क्या बोले सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्रूट मृग बाहर कर लेते हैं हाँ रुको ये मैं आपको नहीं बताऊंगा ये आप आंसर खुद बताओगे देखना मैं ये बता देता हूँ जी 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 थोड़ा सा वेट करो पूरे आंसर आप ही दोगे बस ये टेबल एक बार समझ लो ठीक है मृग बाहर ये उससे याद रखो ठीक है सीजन से, से मृग अपना मौसम आता है तो वो डांस करते हैं ना मयूर पोह वाला तो उससे याद रखो कि जून जुलाई रेनी सीजन मृग का ठीक अब इसमें पांच महीने जोड़ दो बात खत्म फ्लावरी याद ही नहीं करेंगे पांच महीना में जोड़ना है तो गिन लो जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर पांच महीने आ गए यहाँ पांच महीना मंथ का हो गया ठीक वैसे अब एक बज गया सीजन लास्ट वाला हस्त बाहर, हस्त हस्तबहार है ठंड के समय ठीक है ठंड के समय हाथ से बाहर रखो कि ऐसे ठंड में करते हैं हाथ को ठंड रखने के लिए इससे याद कर लो इसका कुछ सेंस नहीं है इस टाइप का तो बस ये याद रख लो ठीक है हस्त बाहर का आएगा आपका अक्टूबर नवंबर में फिर पांच महीने चले जाओ खत्म यहाँ तक एकदम क्लियर कट समझ आ गया ये चीजें बाहर कि कब खिल रहा है कब फ्रूटिंग आएगा तो अब इनको मैं एक एक बाहर के बारे में बताऊंगा फिर आपको फिर आगे जो पूछ रहे हो ना वो क्वेश्चन खुद ही तुम सॉल्व कर डालोगे ठीक है अब देखो ये क्लियर हुआ अब आगे बात करते हैं एक एक बाहर की ठीक तो सबसे पहले जैसे उसमें क्वेश्चन में था रिकमेंडेड बहार इन गोवा कौन सा सब बहार सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है इन सब बहार में ठीक है तो क्या होता है देखो अम्बे बहार की हम जब बात किए अम्बे बहार की हम जब बात किए ये वाली बहार की तो ये कौन से सीजन में था धूप के सीजन में था दिख रहा है इसमें धूप धूप दिख रहा है 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 आपको इस 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 टाइम 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 रहेंगे तो क्या होता है? पता है कि इस थोड़ा टीएसएस ठीक रहता है। जो ये ना टीएसएस गुड नहीं बोल सकते ठीक है मतलब अगर बाकी कंपेयर पूछ दिए तो इसको नहीं बोलेंगे पहले एक बार समझ लो ठीक है इसमें टीएसएस गुड रहता है क्योंकि टेम्परेचर मिलता है ठीक ठाक लेकिन ये जाते जाते इनकी क्वालिटी और ज्यादा टेम्परेचर में थोड़ा सा वो इस टाइम पे रहा था, पानी डिपेंडेंट रहता है इनको इरिगेशन चाहिए होता है तो टाइम इसकी प्रोडक्शन होती है है ठीक तो इसमें प्रोडक्शन नहीं आ पाता अंबे का उतना क्वालिटी नहीं होता इतना नहीं लेते तो अंबे का इतना इरीगेशन इरि चाहिए होता है और थोड़ा सा टीएसएस ठीक रहता है इसको भूल जाए इसको कहीं पे क्वेश्चन नहीं आता अब बात करते हैं मृग और

इस टाइम क्या होता है कि इरिगेशन मिलता है लेकिन जो बोल रहे हो ना इंसेक्ट अटैक और जो फ्रूट फ्लाई वगैरह है इसी टाइम सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा आता है क्योंकि मॉइस्चर जैसे आपने बताया कि इरिगेशन है वो बारिश होगी तो वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट भी बनेगा तो इंसेक्ट का अटैक बहुत होता है तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ गया ना कि इंसेक्ट के प्रभावित कौन होता है तो मृग बाहर ही होता है ठीक है और लिया इसलिए जाता है इसको रिकमेंड इसलिए किया जाता है क्योंकि इस समय प्रोडक्शन हो जाती है इरीगेशन अवेलेबिलिटी हो जाती है क्योंकि हमारा कास्ट ऑफ कल्टिवेशन थोड़ा कम आ जाता है पानी हमें देना नहीं पड़ता मिल जाता है इसलिए तो इंसेक्ट का अगर इंसेक्ट पेस्ट का अगर बात करें ना तो इस सीजन में जो बोल रहे हो उस इस इसी सीजन में होता है सारी चीजें इसी में होगी लेकिन प्रोडक्शन अच्छा दे जाता है इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है ठीक है जो भी रहेगी okay. हस्तबहर में क्या होता है सबसे बेस्ट टीएसएस क्वालिटी हस्त बहार में मिलता है ठीक है याद रखना सबसे बेस्ट टीएसएस मिलता है हस्तबहार में और हस्तबहर के फ्रूट जो होते हैं ना सबसे कलर स्क्रीन इसी टाइम मिलता है क्यों मिलता है क्योंकि इस टाइम देखो पूरे सीजन टाइम इनके टाइम टेम टेम्परेचर है अभी ठंडी आएगी बहुत क्वालिटी वाली धूप आती है ठंडी में ठीक और मार्च तक यही रहेगी जो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ठीक है तो सबसे बेस्ट टीएसएस अगर बात करें तो इसी की मिलती है और फ्रूट की कलर सबसे अच्छा इसी का आती है और बेस्ट क्वालिटी अगर गुआवा की बात करें तो इसी की होती है लेकिन प्रोडक्शन क्यों नहीं दे पाता क्योंकि हमें यहाँ पे कास्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ जाता है ठीक है और इस टाइम क्या होता है मोस्ट ऑफ द फ्रूट अवेलेबल होने लगते हैं मार्केट में ठीक है तो इस टाइम ये ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता लेकिन बरसात के टाइम में क्या होता है बहुत से फ्रूट नहीं मिलते तो हर जगह यही होता है तो मृग बाहर से अब याद रखना कि रिकमेंड तो करते हैं और रिकमंड होता भी है कल्टिवेशन भी होता है हर चीज लेकिन रीजन क्या हो जाता है कि इसमें इंसेक्ट ज्यादा होते हैं सारी चीजें होती है और इरीगेशन हमारा जो रहता है ना उसमें कास्ट ऑफ कल्टिवेशन कम आ जाती है तो इसलिए प्रोडक्शन हमें अच्छा दिख जाता है ये है अब इसमें क्लियर हुआ ठीक है अब जो हो रहे थे ना वही इसीलिए रहा है थोड़ा सा सबसे हाँ, बेस्ट बाहर नहीं होके, बाहर होगा प्रीफर और बोलेंगे ना ना रिकमेंडेड बोलेंगे तो मृग करना बेस्ट क्वालिटी कहीं बोल दिए ना तो ये करना हाँ, क्वालिटी भी ठीक है और एक बुक में इसको भी दिया है लेकिन यहाँ का सेंस नहीं बनता मैं आपको रिफरेंस दे दूंगा यही है क्वालिटी में अगर बात करेंगे तो हस्त बहार ही है क्वालिटी में आता है बेस्ट क्वालिटी अगर आपको चाहिए क्योंकि फ्रूट में हमें क्या चाहिए चाहिए और उसका दिखने वाला जो कलर चाहिए किस में मिलेगा? तो बहार मिलेगा. लेकिन प्रीफर और रिकमेंड किया जाता है तो किसको किया जाता है मृग बहार को क्लियर हाँ इसमें और अब देखो इसमें तो सब क्लियर हो जाएगा रिकमेंडेड बहार अब कौन सा बहार दोगे रिकमेंड कौन सा करोगे है उसको मैं नहीं बताऊंगा आप लोग को बताना है क्योंकि मैंने बता दिया कि पांच मंथ का ये रूल याद रखो ये बार और देख लो ठीक है पांच मंथ वाला रूल जान दिया ना ठीक ये पहचान याद रही है

याद रखना कभी कभी वो कुछ कंडीशन में ना फरवरी मार्च और अप्रैल को भी यहाँ दे दिया जाता है इसीलिए बोल रहा हूँ पांच मंथ वहां गिन के याद रखना ठीक है यहाँ कभी कभी एक दो बुक में पढ़ा हूँ कि मार्च अप्रैल भी दे देते हैं ठीक है कुछ रीजन क्योंकि हर का क्लाइमेट नहीं रहता साउथ रीजन अलग नॉर्थ रीजन अलग ईस्ट रीजन अलग तो कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन में देगा बाकी एकदम करेक्ट यही है नो डाउट यही है लेकिन अगर हो गया कुछ तो उस टाइम पे तो आप किसी को ब्लेम नहीं करोगे लगाना ही पड़ेगा ना तो आप याद रखना पांच मंथ ठीक है रूटीन पांच मंथ होती है तो यहां से आप चले गए सीधा सीधा पांच मंथ एट कर दो ठीक ये क्लियर हो गया बाहर मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप आपको ठीक है सर हाँ गुआवाज इन ए नेचर गुआवा कौन से नेचर का है हम ब्रॉडली टर्म में पढ़े तो क्लाइमेट्रिक पढ़ते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक पढ़ते हैं अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं यहाँ पे अगर हम साइंस पे ना जाए तो जो टूटने के बाद भी पकता है वो क्या है अपना जैसे अगर तोड़ दिए और पक रहा है तो इसको क्या बोलेंगे जो नहीं तोड़ रहे हैं उसको पक रहा है, है तो इसको क्या बोलते हैं किसी को आइडिया है सिंपल लैंग्वेज पे आएगी यस सर हाँ किसको बोलेंगे जो तोड़ सर दे, जो आप... सर जो तोड़ने के बाद पक जाता है क्लाइमेटिक बोलता गुड हाँ, और, और जो, जो तोड़ने तो... के बाद नहीं पकता उसे नॉन बोलते अब इसको हम थोड़ा सा साइंस पे जाए अगर चलो बेसिक अगर कोई पूछ दे इससे और क्या होता है इसमें रेस्पिरेशन होता रहता है ठीक है रेस्पिरेशन वजह से एथिलीन कंटेंट जो रहता है ना रेस्पिरेट करता रहता है दो मेन चीज याद रखो रे, रेस्पिलेशन प्लस एथिलीन इसमें होता रहता है तो इसीलिए क्लाइमेट्रिक क्या होता है तोड़ने के बाद भी पकता रहता है और नॉन क्लाइमेट्रिक में एथिलीन कंटेंट कम रहता है इसीलिए वो क्या होता है पकता नहीं है वो आगे की बात है सिंपल बात में यही रखो तोड़ देंगे तो पकना बंद हो जाएगा तोड़ दिए थोड़ा पक रहा है अपने टाइम तक तो वो क्या है क्लाइमेट्रिक अब बताओ ये गुआवा कैसा है दोनों क्लाइमेट्रिक सर नहीं नहीं है गुआवा पकता है कैसे नहीं पकता है गोवा पकता है अब तोड़ के देखो अब कच्चे को ही तोड़ दोगे कैसे पकेगा वैसा थोड़ी तोड़ा जाता है कि हम पकाएंगे कोई सभी स्टेज तोड़ देना तोड़ने का भी स्टेज है उस पर रखो तब है ना वो थोड़ा थोड़ा पकता जाता है ऐसा नहीं कि एकदम ही पकते तक हो बढ़िया पक जाए ऐसा नहीं कि सीधा फल जैसे हो ऐसा नहीं इसका भी स्टेज है लेकिन ये अपने हिसाब से पकता है ठीक है पकता है ये भी ना अब ये नहीं हम जैसे खाते हैं तो हम कुछ लोगों को ज्यादा पका प्रिफर करते हैं कुछ लोग जो नारियल जैसे क्वालिटी आए ना उसमें हाँ पके में पसंद करते हैं तो क्या होता है उस टाइम अगर तोड़ेंगे तो थोड़ी पक पाएगा बेचारा उसका तो हार्वेस्ट स्टेज ही नहीं है जब तोड़ दिए आप है ना तो इसीलिए अब देखो इसका एग्जाम्पल और है बहुत सारे का ये देखो इसमें ये साफ समझ आता है ये सिट्रस को रख दो आप लोग वो एकदम से वो बेचारा ऐसे रहेगा शुरू में तोड़ोगे तो ऐसा होता है वो पक थोड़ी रहे वो अपना क्वालिटी डिक्रीज कर रहा है ठीक इसमें और एड कर लो अपना फालसा एड कर लो फालसा भी है इसमें और लीची भी है लीची भी है ठीक अब इसमें हाँ ठीक तो इसमें याद कर लो नॉन क्राइमेट्रिक में ज्यादातर ऐसी चीजों चीजों पूछा जाता है है जो जो आप न, देखे ना ना देखे हो को ठीक ताकि कंफ्यूज हो जाओ बाकी ये सबको तो नहीं पूछेंगे आप लोगों को तो पता है मैंगो एप्रीकॉट एवोकाडो ये सब कोई बार तो नहीं देखे तो पता है थोड़ा देखना पड़ता है ऐसी चीजों को इनसे पूछा जाएगा बाकी पूछेंगे तो सिंपल की बात है ध्यान में रखना जो जो खाए हो उसको तो पता होना चाहिए कम से कम और ये मत सोचना की तोड़ दिए कच्चे स्टेज में नहीं पक रहा है ये नहीं जैसे गुआवा में कंफ्यूज है वो वाला उसके हार्वेस्ट स्टेज में तोड़ रहे हैं तो हार्वेस्ट स्टेज में ही तो एथिलीन वाला होता है ना तो उस टाइम याद रखो कि हाँ ये पक सकता है रखने के बाद सुटेबल वैरायटी ऑफ गुआवा फॉर एचडीपी एंड मिडो ऑर्चर्ड इज कौन सी वराइटी सुटेबल है ठीक है तो इसमें से आप बता सकते हैं कोई अभी तो आया था ऊपर बना के बनाया लोगों के लिए। अलहावादी सफेदा। अलहावादी। ये वाला किसका था लोगों मतलब तो प्लांटिंग का ये टाइप है एच डी पी स्क्र सिस्टम भी एक है तो स्क्वायर सिस्टम पूछ दिए तो क्या है लखनऊ उनछास और बाकी अलाहाबादी सफेदा बाकी ये सब उनके वैरायटी है ठीक है ये चित्ती धारना चित्तीदार में पीएसएस सबसे ज्यादा पाया जाता है याद रखना पीएसएस सबसे ज्यादा जितने भी वो है ना वो क्या बोलते हैं गुआवा के जो वैरायटी है उनमें सबसे ज्यादा चिट्ठीदार में लिख लो इसको पीएसएस ठीक है इलाहाबादी सबसे था ये और ये जो है स्क्वायर में लखनऊ चार रेड फ्लैश वराइटी ऑफ गुआवा रेड फ्लेश मतलब काटते देखे हो ना रेड प्लेस का रेड कलर का समझना की अरे ग्रीन वाला कब से रेड आ गया हैं तो आपने खाए जनरली इसमें से कौन सा कोई वरायटी खाया हो ये तो खाया हो गया आपने ये भी खाया है ये दोनों शायद नहीं खाया होगा आपने ठीक है ये तो इनमें से कौन सा कोई गेस्ट करेगा कि कौन सा हो सकता है या इसके सर हाँ हफ्ती हाँ, सही आंसर हप्सी है ठीक है और इनमें से किसी को याद हो खाते तो है बहुत लेकिन क्या है वैरायटी नहीं पता क्या पता किसी को पता हो हमारे लोकल कंडीशन का किसी को पता है और जिसका रेड प्लेस हो ललित ललित गुड ललित है ठीक है और ये सारी जो तीनों है ये कौन सी है ये तीनों कौन सी फ्लैश की है वाइट फ्लैश सफेद गुदावा ये पिंक पिंक फ्लैश ही है विच इज द वैरायटी ऑफ गुआवा ये देखो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया मृदुला तो है लेकिन कौन से मृदुला है ठीक है है पूछा मतलब मतलब आई आई ए चार से आया हुआ पूछा मतलब से आया ठीक न्यू दिल्ली और वो बेंगलोर तो ये आंसर है ना आरका मृदुला बेहद कोकोनट सीडलेस वैरायटी आप ये तो बता दो फ्लो में चल रहा है गुआवा का ही है ठीक है कोकोनट से याद रखना मतलब कोकोनट का कोकोनट में मत चले जाना ठीक है गुआवा का है एक एप्पल कलर आता है वो भी गुआवा का है एप्पल का मत बता देना एप्पल कलर उसका नाम ही है वरायटी का एप्पल कलर ठीक है तो ये गुआवा और एक न लखनऊ उनचास को आपने जानिए लखनऊ छियालीस सुना फोर्टी सिक्स एल फोर्टी सिक्स

जिंक जिंक ठीक है और देखो जिंक इस... हाँ, जिंक इसका पता है मल्टी कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं जिंक के साथ आप लोग लिख लो पी लिखो और के लिखो अगर ये चारों ऑप्शन में रहे ना ये तीनों ऑप्शन में रहे तो आ जाएगा ठीक है ये तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स इसको करते हैं लेकिन मेजरली हमको जब भी पढ़ने को मिलेगा जिंक मिलता है ठीक है ये दोनों भी आपको मिल जाएगा ठीक पी और के भी होता है कॉम्प्लेक्स फैक्टर है और बैड जो वो रहता है ना क्या बोलते हैं बैड क्लाइमेट होता है तो इस समय इसका आता है ठीक ये लिख लिए ना पी और पी लिख लेना इसके साथ साथ के मल्टी कॉम्प्लेक्स फैक्टर है ये ऐसे दिखते हैं आप लोग अगर दिख रहा होगा तो ये दिख रहा है ये इसकी इसकी पूरा ब्राउन हो गया है ये लिप देखो यहाँ भी दिख रहा है ये लिप साफ दिख रहा है आपको तो ये और फ्रूट में ऐसा दिखेगा आप को इसका इसका कमर्शियली एक्सट्रक्ट किया जाता है इससे ठीक है इंडस्ट्रियल यूज होता है बहुत सारे बनाने के लिए फूड मटेरियल ये ये किसमें पाया जाता है मेलिक एसिड रूट की बात करें तो Apple. एप्पल ठीक है ये तो नाम से ही है इसको बताने की जरूरत नहीं है दिख रहा है ये ठीक है समझ रहे हो ना ये साइट्रिक एसिड सिट्रस हाँ सुगर बताओ सुगर क्या पाया जाता है ग्रेप्स में कौन सा सुगर ये तारे सारे सुगर के टाइप्स है ये पहले बताओ सबसे मीठा सुगर कौन होगा इस सब में सु, ग्लूकोज सुक्रोज फ्रक्टोज माल्टोज हाँ ए, आंसर क्या होगा इसका प्रीडोमिनेंट सुगर के कौन सा लेवल ए, कौन सा वो पाया जाता है सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज याद रखना ठीक है फ्रक्टोज पाया जाता है इसमें इसके जो लेवल है सुक्रोज के अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ दिया जाए तब भी वही नाम है ठीक है सोर्स है ये उन्हीं के टाइप्स है तो ये फ्रक्टोज पाया जाता है जिसमें ये जो रेड ग्रेप्स में जो शुगर है ना ये ग्लूकोज सुक्रोज नहीं पाया जाता फ्रक्टोज पाया जाता है ठीक है टाइप्स ऑफ पार्थेनोकार्पी फाउंड इन ब्लैक कोरियन वराइटी ऑफ ग्रेप्स ये कल आपको रिपीट कराया था और ये एग्जाम्पल भी था ठीक है अब मैं इसको पार्थेनोकार्पी आपने पढ़ लिया था कि कार्पी हो रहा है जेनेसिस होगा और एक होता है एपोमिक्सिस। कार्पी मतलब क्या हो रहा है क्या बोला था मैं कार्पी मतलब तो... रूट बन रहा है जेनेसिस तो... याद जेनेसिस निर्माण हो रहा है उसमें सीड बनेगा, वो एम्ब्रॉय बनाएगा फिर वो जाके सीड बना देता है तो लेकिन कॉमन फैक्टर क्या था विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा फ्रूट बन रहा है और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है इन द सेंस कि इसमें सीड नहीं बनेगा अब इसमें दो टाइप मेन बताया था कि वेजिटेटिव और स्टीनो स्टूमलेटिव मतलब कि जेनेटिक स्टेबिलिटी आएगी इसमें जेनेटिक स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा ये फ्रूट तो बनाएगा बट बन स्टूमलेट नहीं करेगा जैसे केला का स्टूमलेट नहीं किया एक्सटर्नल स्टूमलेट नहीं हुआ लेकिन इसमें क्या होता है एक्सटर्नल स्टूमलेट होता है मीन्स अब ग्रेप ग्रेप अब ये क्या हुआ एक्सटर्नल स्टिम्युलेट होता है तो ये किस आंसर क्या आएगा कल की डेफिनेशन बेस्ड है पूरा ये ठीक है स्टिम्युलेटिव पार्थेनोकार्पी है ग्रेप्स ठीक है बनाना क्या था अपना वेजिटेटिव ठीक ये समझ आया क्या बोल रहा था मैं जी सर ये आ गया वही एडिबल वाला पार्ट अभी फिर आ गया बहुत सारा आ गया चलो इसको बताओ एडिबल वाला ग्रेप्स का एडिबल पार्ट एक काम करो इसका पहले तुम फोटो देख लो यार उसमें ज्यादा ये वाला टेबल देख लो अब ये समझ आएगा ठीक है ये कैसे क्या है पेरी कार पर किसको बोलते हैं किसको मिजो कार बोलते हैं ये टेबल है इसको एक पेज निकालो रट लो बात सीधा खत्म और अगर इसको मैं डील कराने जाऊंगा अकेले ये चार क्लास खा देगा तुम्हारा क्योंकि ये सारी चीजें बताना पड़ेगा पोम में कौन आता है ड्रूप में क्या आता है फिर उसके बाद अंदर क्या है और मिल के हमारे हाथ आएगा यही चार पे एक पेज ठीक है वो है एक पेज भी नहीं है हाफ पेज हाथ आएगा तो मैं बोलता हूँ कि अभी ऐसा क्रूसल टाइम है कि कभी भी एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि सरकारें बन गई तो रुका हुआ चीजें आगे बढ़ेगा तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो आप ये चीजें बस याद कर लो आप लोग इसमें क्या क्या चीजें हैं ये मैं बता दिया हूं आपको देखो प्लेसेंटा जो लिखा हुआ होगा ना जस्ट जो ओव्यूल है ना ये ओव्यूल के ऊपर पार्ट को बोलते हैं ठीक और ये प्लेसेंटा वाला पार्ट इससे याद रख लो आप लोग प्लेसेंटा खाते हैं तो ओव्यूल के ऊपर वाले भाग को और पेरी मतलब पेरी तीन चीजों से मिलकर बना होता है आपको यहीं कहीं मिलेगा ये पेरी तीन है यहाँ रहता है पेरी ठीक है पेरी ये रहा मीजोकार पर एंडो कार्पस मिल के बना रहता है पेरी कार्प ठीक है अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात है जैसे देखो मीजो कार्प एन किसका खाया जाता है बनाना आंवला एप्रिकॉर्ड एंडोकार्प क्या जानता है जैसे सीड है ना एंडोकार्प ये रहा आप लोग को हल्का दिख रहा है क्या ये सीड है लेकिन इसी के जस्ट लगा हुआ है दिख रहा है कहा गया हाँ ये ये दिख रहा है क्या? आपको नीचे एंडोकार जस्ट सीट के नीचे एंडोकार्प ठीक है उसको खाते बनाना मीजोकार मीजो मतलब तो और और तो मीजोकार्प अब ये बताओ कि हम ग्रेप्स का क्या खाएंगे छिलकों को भी खा देते हैं तो छिलका हमारा क्या है एग्जोकार्प का ही पार्ट है छिलके की जस्ट अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं एग्जो कार्प उसको भी खा देते हैं ठीक है और उसके नीचे वाला मीजोकार्प भी खा देते हैं ठीक तो इसमें देखो

अब ये ये वाला चीजें पूरा जैसे भी हो वो देख लो फ्रेश एरी लीची अब इसमें मेजोकार्प मैंगो का क्या खाते हैं मीजो ठीक है सिर्फ मीजोकार्प ऊपर का छिलका भी नहीं खाते बीच का फ्लैशी मटेरियल उसका खाते हैं वो मीजो है ठीक है नीचे जो है वो वही है एंडोकार्प तो एंडोकार्प हम उसको नहीं खाते ठीक है तो ये सारी चीजें लेकिन बनाना ग्रेप्स का क्या खाते हैं छिलका भी खा देते हैं एग्जो भी खा देते हैं मिजोकार्प भी खा देते हैं एंडोकार्ब खाते हैं सीड को छोड़ देते हैं तो तीनों को मिलके क्या बोले हम प्लेसे तीनों को मिल के हम बोले ये बोले और प्लेसेंटा जो सीट के पहले पार्ट है तो खा ही रहे ठीक है तो याद रखना ठीक है ये टर्म है इसके तो चार पांच लेक्चर का जो सार निकलेगा ये निकलेगा आप लोग इसको भी निकाल लो ये अभी और आएगा देखना ठीक आगे तो आप इसमें से मेजर मेजर को पूछा जाता है ठीक है आप लोग इनको तो जानते हैं एंडोस्पर्म कोकोनट है कॉटी कुछ कुछ तो देख के ही समझ आएगा जैसे लीची कैरेक्टर के जो भी रहेंगे ना तो खैर लीची है और आपका देखो बनाना आंवला एप्रीकॉट ये सब का है मीजो कार में आपका ये सारी चीजें हैं मेजर मेजर आ जाती है ठीक है तो ये चीजें ये थोड़ा सा डाउटफुल है इसको आप ये खैर पूछा भी नहीं गया है कस्टर्ड एप्पल को पेरी कार खाते हैं पेरी कार मतलब सब चीज आ जाता है ठीक है तो उसका थोड़ा डाउटफुल है उस उसपे मत ध्यान देना ठीक बाकी चीजें आप लोग देखो डेड पॉम्प को जानते हैं खजूर को सीधा सीड फेंकते हैं बाकी सारी चीजें खा जाते हैं है ना तो ये है और दिखता ऐसे देखो ये है ऑरेंज का ऐसे दिखता है एस्पेडियम खाते हैं ना ऑरेंज का ये वाला पार्ट ये ऐसे रहता है तो ये एस्पेडियम है ड्रूप में हम देखो ऐसे खाते हैं अपना पीच का ऐसे रहता है एप्पल का देखो एंडोकार्प ये रहा सीड ये रहा सीड को नहीं खाते पेरिकार्प खाते हैं पेरिकार्प पर तीन पार्ट से मिलकर पड़ना होता है ठीक है तो इसका फोटो से एक बार देखोगे तो थोड़ा और कोरिलेट कर पाओगे ठीक जी वो कल बता रहा था आपको ना कि ओवरी से क्या बनता है सेब देखो ना सेब अपन खाते हैं जो भी मतलब वो तो गलत बन गया फोटो ठीक है ये है ना यहाँ सीड रहता है ऐसे तो जो ओवरी से क्या बनेगा ओवरी से याद रखना जो ये खाते हैं ना सीधा चापते हैं वही है फ्रूट हमारा ओवरी से हमारा जो ये बना वो ओवरी खा रहे हैं हम उसका ओव्यूल से याद रखना ओब्यूल सीड सीड बनता है किसी ने कल बताया था ना हिंदी में वही है ठीक है ओव्यूल से याद रखना सीड और ओवरी हम है जो भी ऐसा टाइप का दिखेगा जिसका हम सीधा खाते हैं ऊपर वाला तो याद रखना ओवरी से बना है और अगर इंटेगमेंट जो इसके टाइप्स है ना अंदर फ्रूट के क्या क्या है उसमें कंपोजिशन होगा वो जयगोड बनेंगे जो बनेंगे उससे हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है फाइनल प्रोडक्ट ठीक है तो इससे क्या बनता है टेस्टा सीड कोड आपने पढ़ा होगा है ना प्रोटेक्टिव कोड के नाम से जाना जाता है तो इंटेगमेंट से क्या बनता है तो आपका ये बनता है न्यूक्लियर से आपका पेरिस बनेगा और यहाँ सेल रहते हैं अलग अलग यहाँ पे ऐसे कर करके तीन ठो रहता है फिर बीच में रहता है फिर यहाँ रहता है ये बहुत सारे कुछ कुछ रहते हैं ये सब अब ब्रीडिंग में एक बार आएगा तो आप पढ़ोगे इसको दो पोलार निकली इस के साथ जाता है एंडोस्पम्प बनता है ठीक उसके बाद अगर ये सही से ये दोनों हो गए एक के साथ अगर स्प न्यूक्ली बनेगा तब जाके जागोर बनेगा जो हमारा एक्चुअल ट्रू, ट्रू टाइप सीड बनाएगा ठीक है ये सारी चीजें ये टेबल इसीलिए डाला हूं कि आप देख के बस समझ जाओ की ओवरिस ये बनता है ये इससे बनता है ये ज्यादातर दो ही चीज मेन है इसमें ये तो पूछ देंगे तो आपका फिजियोलॉजी बेस पे जाओगे ग्रेप इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई देखो ग्रेप किससे प्रोपोगेट किया जाता है कोई बताएगा ग्रेप से दोनों से नहीं नहीं हार्डवुड हाँ, 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 कटिंग जी हार्डवुड कटिंग से होता है ना अब आप लोगों ने कभी हार्डवुड कटिंग सॉफ्टवुड कटिंग और सेमी हार्डवुड कटिंग देखा है कि बता पाओगे मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कभी हुआ तो देखो बताता हूँ कैसे रहता है ये जैसे देखो हमारा ये मेन स्टेम निकला ठीक है ये अपना जहां से भी लेते हैं आपको सबको पता है एक साल पुराना एक डेढ़ साल ओल्ड मंथ या सिक्स मंथ ऐसे रहते है ना जो पहला निकलेगा ना जो ब्राउन कलर का हो गया रहेगा कोई सब इस टाइम देख लेना जैसे हम करना है तो जो पहला निकलेगा वो ब्राउन कलर का हो गया है रेडिस ब्राउन तो वो हार्ड है ठीक है ये हार्डवुड है यहाँ तक जो रहेगा हार्डवुड है इसी को लेते हैं ठीक है ये हार्डवुड रहेगा ठीक यहाँ वाला जो पहला जो ब्राउन का दिख रहा है इसमें भी वही का बताया गया ठीक यहाँ ये यह आगे ग्रीन दिखा दिया है लेकिन ये हल्का ग्रीनिश जो रहेगा एक पोर्शन आएगा इसके बाद हल्का ग्रीनिश होगा थोड़ा सा मोटाई होगा वो क्या होगा आपका सेमी हार्डवुक होगा ठीक सेमी हार्डवुक वाला और इसके बाद जो एकदम इमेच्योर दिखेगा ना जैसे आप देखो ऐसे कोई सभी को कटिंग करके लगाते देखे हो कि आप पिंच करके लगा देते हैं चमेली को आप घर में जनरली लगाते देखा होगा कि ऊपर पोर्शन करते हैं और लगा देते हैं वो लग जाता है और उसका कमर्शियल प्रोपोगेशन भी वही टर्मिनल कटिंग तो वो रूट कटिंग है तो ये याद रखना कि टर्मिनल कटिंग कटिंग के भी बहुत सारे पार्ट है ठीक है तो रूट टर्मिनल कटिंग के ही अंदर आते हैं तो हार्डवुड समझ आ गया आपको देख के कैरेक्टर बता सकते हो कि ये ब्राउन रेडिस ब्राउन होंगे सिक्स मंथ टू एट मंथ या वन ईयर ओल्ड रहेंगे ठीक है ये हार्डवुड आपके बेसिकली बताया कि आप कभी जैसे पढ़ तो लेते हैं कि सेमी हार्डवुड करते हैं हार्डवुड इससे करते हैं बट पूछेंगे तो बता नहीं पाते ना तो इसीलिए ये है, सेमी हार्ड ये हार्डवुड सेमी हार्डवुड और इसके बाद जो बनेगा ना पतला सा वो आपको होगा वुड कटिंग ठीक है तो हमारा ग्रेप्स को याद रखना आप लोग हार्डवुड कटिंग से होता है ठीक है ज द रूट स्टॉक ऑफ ग्रेप्स ग्रेप का कौन सा रूट स्टॉक है इसमें इसमें सभी ग्रूप स्टॉक ग्रेप्स की है ठीक है और एक और आता है एक और अगर लिखोगे तो सोलह तैतीस करके है सोलह तैतीस ये भी रूट स्टॉक है ठीक है नंबर दे दिए कंफ्यूज मत होना ये भी रूट स्टॉक है सभी आएंगे और लगभग लगभग सभी साल्ट टोलरेंट है याद रखना साल्ट के टोलरेंट है नेमा टोट के लिए भी टोलरेंट है ठीक ये नाम से इनका दिख रहा है ये डोगरी डेज और सेंट जॉर्ज और साल्ट क्रीक ये सब ना साल्ट टोलरेंट ही है और नेमोटोट के लिए भी टोलरेंट ही है ठीक है इसका फीचर्स है तो रूट स्टॉक ग्रेप्स के लिए ये सारे सुटेबल है आइडियल टाइम ऑफ पुर इज अगर हम क्रॉप को हटा दें इन जनरल आपको पूछ दिया कि पुर्निंग कौन से टाइम में करना चाहिए तो क्या आएगा आपका आंसर क्या आना चाहिए आप सोच के बताओ पुर्निंग क्यों करते हैं थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो और क्या कौन सा टाइम रहेगा जब हम करें

वो ठंडी से जा रहा था और डॉमेंट जाता है ठीक है तो याद रखना ज्यादातर रिलेटेड अगर पूर्णिंग अगर यहाँ से ये अगर क्रॉप हटा दिया जाए तो आइडियल टाइम आपका आएगा दिसंबर जनवरी ठीक है यही जाता है इसका और अगर इसमें ये नहीं दिया होगा तो आप अक्टूबर भी मार्च अक्टूबर भी होता है नवंबर भी होता है ठीक है तो खैर एक बात अब ग्रेप्स की करेंगे तो ये है ग्रेप्स के लिए रिकमेंडेड है लेकिन सिर्फ पुर्निंग की बात करें तो अक्टूबर टू जाता है ठीक अक्टूबर तक अक्टूबर से ही स्टार्ट कर देते हैं वो वेरी करता है क्रॉप के ऊपर की बात आएगी तब ठीक है विंटर एंड डॉर्मेंट दो टर्म याद रखना विंटर से आप याद रखोगे तो विंटर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा अब विंटर जरूरी नहीं है कि अक्टूबर के पास मिले या दिसंबर दोनों ही विंटर के ही सीजन है ठीक है तो इसमें टाइप पूर्णिंग क्या होता है दिसंबर टू तो जनवरी होती है डॉर्मेंट सीजन होता है अब यही बात अगर हम साउथ में करें तो, तो क्योंकि उस टाइम तो ओवरऑल टेम्परेचर लगभग लगभग ही बोल सकते हैं इक्वल ही रहता है मतलब एक्यूरेट एक तो नहीं बोल सके लेकिन इक्वल ही है ईयर राउंड सेम ही रहता है तो उस टाइम में हमें कब पूर्निंग करना चाहिए साउथ में ना दो बार होता है ये अराउंड दो बार होगा ठीक है जब जब हम प्रोडक्शन लेंगे उसके जस्ट दो तीन महीने पहले दो चार महीने पहले लेते हैं तो ये दिसंबर जनवरी तो होगा ही वहां भी और उसके यहाँ होगा मार्च अप्रैल जाएगा ठीक है साउथ में साउथर्न रीजन में मार्च अप्रैल यहाँ लिख लो साउथ का ये है दो टू टाइम्स होगा साउथ आया या बेंगलोर आया तो दो बार होगा और अगर नॉर्थ कंडीशन आया तो एक बार आया होगा अगर कुछ भी कंडीशन नहीं आएगा तो नॉर्थ कंडीशन आएगा ठीक है और फ्रूट भी नहीं आया तो क्या आएगा विंटर दे दिया तो विंटर और अगर विंटर में सीजन दे दिया कि अक्टूबर दे दिया कि नवंबर दिसंबर तो आप ढूंढ के उसको मारोगे ठीक है मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रैप इन इंडिया वो शुरू में ही बता दिया हूँ आपको ग्रैप का कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है फोटो भी बताया था आपको कैसे ये वाला सिस्टम लटकाने वाला बताओ इसमें कौन बताया था कौन सा आपका तो हाँ ब्रोवर सिस्टम ना ऐसे सिस्टम। इस दोनों में प्लांट को चढ़ाया जाता है ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे नेट बना दिया जाता है खींच खींच के फिर इसमें प्लांट को लिया जाता है और यहाँ हमारा ग्रैप्स लटका हुआ रहता है तो हार्वेस्टिंग में इजी हो जाती है ठीक है हार्मो जनरली यूज फॉर बेरी इलांगेशन देखो ग्रेप्स में ना हार्मोन का बहुत रोल है बहुत ज्यादा अब यहाँ याद रखना कि क्या पूछ रहा है तीन चार चीजें होती है ठीक है बेरी इलोंगेशन मतलब बेरी को बढ़ाने के लिए कौन सा का यूज किया जाता है इसमें पूछा है ठीक है तो ये आगे और बहुत सी टर्म आएंगे पहले तो एक को याद कर लो यहाँ से बेरी इलांगन को हम यहाँ से जीए थ्री से करते हैं ठीक है थीके? यह सीधा सीधा याद रखो इसको डोज भी याद रखो डोज तो पूछते नहीं है लेकिन याद रखो जीए थ्री आगे दो चीज और आएगी कंफ्यूज नहीं होना सेम ही बातें लगेगी लेकिन ना बेरिज पे ही बात होगी वो सारी चीजें बेरी क्योंकि हमें ग्रेप्स क्या चाहिए वाइन तो चाहिए नहीं हमें बेरी ही चाहिए तो याद रखो इलाशन से गे से याद रख लो आप लोग जीए यही सीधा बात खत्म करो ठीक है अगर दिख गया ये टर्म तो ये जीए थ्री ये वर्ड आपको दिख गया ठीक बेरी बेरी सब में कॉमन आएगा देखना लेकिन ये टर्म बदल जाएगा इलोंगेशन मतलब उसका बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं ठीक है जीए से याद रखना आगे और आएगा विच मोस्ट मोस्ट कमर्शियल वैरायटी ऑफ ग्रेप्स सबसे ज्यादा इंडिया में डोमिनेंट लेवल पे जो चल रहा है उनमें से कौन सी है ये सारी वैरायटी किसी को पता है सनसिडलेट ठीक है यही सबसे ज्यादा चल रहा है डोमिनेंट लेवल पे है ठीक ये भी सारी उन्हीं की वैरायटी है लेकिन यही ज्यादा चलता है ब्लैक थॉम्सन हर हंस अरका श्याम हरका कंचन वैरायटी ऑफ ये भी फ्लो फ्लो में ही बता दोगे क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है वो दिख ही रहा है ठीक है हंस श्याम और कंचन याद रखना ठीक है सारे ग्रेप्स की ही वैरायटी है सुटेबल वरायटी ऑफ ग्रेस्ट फॉर रेड वाइन के लिए कौन सा वरायटी सुटेबल है ठीक इसके लिए red, सबसे suitable नौरंग है, पूसा नौरंग, क्योंकि इसके ना, ना कलरफुल रहता है और अंदर जैसे तो ये, निकाल गया, है, ये, वाला है हमारा, ये और ए, जो इसके अंदर का भी पल्प रहेगा ना वो भी कलरफुल रहता है इसीलिए वाइन में हमें थोड़ा कलरेशन चाहिए जानते हो रेड कलर है ना तो वाइन के लिए सबसे सुटेबल कोई चीज है तो पूसा नवरंग है इसको एक टर्म बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा उसको और

इसका क्या क्वालिटी पता है ये बहुत ज्यादा अपने आप में बेरी आ जाता है बेरी मतलब समझ गए ना इसके फ्रूट को बेरी बोलते हैं है तो है? पर है। तो है है। लेफ्ट है? है इसमें बेरी ड्रॉप की समस्या होती है ठीक ये आगे और आएगा तो हो सकता है आए तो वरना पढ़ा तो स्लाइड में बता दिया यहीं पे कहीं बेरी ड्रॉप की समस्या किस वायटी में ठीक वाइन की जगह कहीं यही पूछ दिया ठीक है डिसऑर्डर ऑफ ग्रेफ ड्यू टू डिसीजन ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया आप लोगों को ये किसके कमी से होती है कोई बताएगा बुरान, इन चिकन बुरान से नहीं होता जिंग से होता है बुरान से इसका नहीं होता हेन इन चिकन जिंग से होता है ठीक है ये और इसका क्या है कि कभी कभी मल्टी इनका डिसऑर्डर रहता है ना मतलब कॉम्प्लेक्स जैसे एक आया ना जिंग पी और के तो कुछ कुछ भी बुक कंफ्यूज मत हो ना बुरान और जिंक में ठीक है वो बहुत जगह बुरान बुरान लगेगा लेकिन बुरान हर जगह नहीं होता है एक दो बुक में मिल जाएगा आपको बुरान का भी जैसे उसमें जेड एन दिया है और पी भी है और के भी है और अगर आप लोग बुक भी देखोगे तो पी जेड एन पी और के देता है लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ लोग जिंग को मारते हैं ठीक है तो कन्फ्यूज मत होना वो बुक से ही पढ़ के आया जा रहा है ठीक है आप लोग डाउट मत होना और अगर डाउट रहता है कि सर इस बुक में ऐसा दिया है तो आप ग्रुप में मुझे फोटो भेजो या पर्सनली भेजो मैं आपको प्रॉपर टेक्स्ट बुक का रिफरेंस दूंगा कि बेटा इसमें यह है इसको आप लेके चलो अब दावा पत्ती में ये बुक आएगा ना कि ऑब्जेक्टिव बुक ठीक है आपको जो भी डाउटफुल आता है कि सर इसमें मैं ये पढ़ी हूँ आपने ये बताया है तो मैं भी एक बार बताऊंगा कि इस बुक का था आप भी मेरे को बताओ ऐसे में हमारे साथ जितने उनका किसी का भी गलत ना हो हमारा भी सही हो सबका भी सही हो डाउटफुली लेके चले पता चला आप पूछे मेरे को मैं आपको बता दिया अगला रह गया ठीक है तो इससे डाउट हो जाएगी ठीक है डिसऑर्डर फैक्टर जब भी पढ़ना आपको मल्टी कॉम्प्लेक्स फैक्टर मिलेंगे किसी में ये ही नहीं देंगे क्या देते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर दे देंगे ठीक है ऐसा रहता है तो इसका जिंक याद रखना ठीक है चिकन डिसऑर्डर का इसका सिम्टम्स ऐसा कुछ रहता है देखो ये अजीब सा पूरा बेरी देखो कैसा चला गया है ये पूरा प्रोडक्शन ही लॉस हो जाता है इसमें मेजर डिसऑर्डर है ठीक है रेमेडी फॉर रैपनिंग इन ग्रेप्स हाँ ग्रेप्स की अभी बात करी हमने बेरी की अब को हम कैसे रोके यहाँ बोल रहे रेमेडी मतलब उपचार होता है और अनईवन मतलब अलग अलग टाइम में पक रहे हैं तो अलग अलग टाइम में जो बेरी पक रहे हैं उसका उपचार हम किससे करें ये सारी चीजें में ठीक है तो इसमें सबसे एथेपॉच जो है नाथेपॉन्च हाँ ये थे पर ढाई पीपीएम याद रखना अन मतलब वो इक्वली हमको अब यूनिफॉर्म में रैपिंग करती है ठीक है तो याद रखना दो चीजें आ गए बैरिस रिलेटेड एक हमारा हुआ इलांगेशन से जीए ठीक वो क्या करेगा इलांगेशन बढ़ाएगा अब बढ़ तो गया इलांगेशन तो हमें लगेगा कि अब अलग अलग रहा है हमें एक टाइम में हार्वेस्ट चाहिए तो हम क्या डाल देंगे इथोपॉन डाल देंगे ढाई सौ पीपीएम ठीक है तो ये क्या करेगा यूनिफॉर्म करेगा एक और आएगा इसके बाद मैं अभी यहां बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा अगर नहीं हो नहीं आगे नहीं है बता देता हूं ये जो एस्कर्बिक दिख रहा है ना पॉइंट जो दिख रहा है जीरो पॉइंट टू परसेंट कब होता है पोस्ट हार्वेस्ट ड्रॉप को जब हम हार्वेस्ट कर देते हैं ना तो बेरी हमारा ऐसा है गुच्छे में तो ये ड्रॉप होने लगता है कोई-कोई ये गिर गया या चला गया तो हमारा लॉस हो रहा है तो उस ड्रॉप को बचाने के लिए एस्कर्बिक एसिड यूज करते हैं ठीक ये तीनों लिख लो ये पोस्ट हार्वेस्ट जो ड्रॉप होगा ना पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट ड्रॉप जो होगा वो आपका ये बचाएगा ठीक ये आपका आने में रॉपनिंग रैपनिंग को रोकेगा और एक जीए थ्री हमारा क्या है इलांगेशन तो हमारा बेसिकली मोटा मोटा पीजीआर का उपयोग इसमें खत्म होता है ठीक है क्योंकि हमें इससे क्या चाहिए हमें बेरी चाहिए हमें बाकी चीजों से इसका मतलब नहीं है तीनों चीज मोटा मोटा समझ आ गया इसका इसको कुछ भी वो आगे पीछे मत सोचना याद रख लेना बस ये है इसका ये है इसका ये है बात खत्म इसमें फिर पीजीआर इसको देखने की जरूरत नहीं है आपका वो भी चैप्टर खत्म हो गया फट वो वाला ठीक ये causal downy mildew grapes. Downy और और में मत होना ठीक कोई कोई बताएगा का, का को पूछा है option. Option, very good. Plasmophora, viticola. अब इसका एक एक मेरे बताओ इसी के नाम से ना चीज हुआ था जो अभी तक डोमिनेंट लेवल पे चल रहा है आप लोग को शायद पता होगा और इसी चीज में डिस्कवर हुआ था डाउनी मिलिडरी ऑफ ग्रेप्स में को याद आ रहा है पोड़ेक्स, पोड़ेक्स, मिस्चर। पोड़ेक्स, मिस्चर। पोड़ेक्स बोर्डेक्स यहीं से दो क्वेश्चन याद कर लो आप बोर्डेक्स इसी भी हुआ था ये, अब हमें जो भी दे, में ये डाउनी मिल्ड्यू का सॉरी पोल्ड्री मिल्ड्यू का है, ठीक है ये डाउनी का है इसमें बस कंफ्यूज मत होना कि इसको अब याद कर लो बाकी जो रहेगा वो डाउनी होगा ठीक पाउडरी होगा तो प्लाज्मो फोरा प्लाज्मो फोरा विटिकोला डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स हुआ था और इसी के कारण इसी में ही डिस्कवर किया गया था बोर्डे मिक्सचर कोई मिक्सचर बता पाएगा कैसे बनाते हैं बोर्डेक्स का रेशियो बता दो चलो फिर बाकी मैं बताता हूं. 50, 51. नहीं ठीक 5, 5, है या इसको आप आगे पीछे कर सकते हो फोर फोर फोर्टी ठीक अब इसमें ये तो वाटर है ज्यादा है वो तो कॉपर सल्फेट ठीक उसके बाद लाइम का यूज रहता है चूना आ, चूना का ठीक है कॉपर सल्फेट चूना और वाटर ठीक है याद रखना आगे आगे की बात बता दी आपको खैर अगर आगे, आगे पूछ लिया तब की बात है एक क्वेश्चन और एट कर लो कि इसका होता है यहीं पे आपका दो तीन क्वेश्चन कंप्लीट ठीक अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे अब मैं पूछूंगा कि सबसे डिस्ट्रक्टिव नेचर का जो डिसीज आएगा इनमें ही छिपा है वो कौन सा है जो ग्रेप को पूरा का पूरा डैमेज करता है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्ट ये तो आता है ठीक है लेकिन ये उतना नहीं करता इसका मेंटेनेंस हो जाता है लेकिन इनमें ऐसा कोई डिसीज है जो सीधा का सीधा डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रिक्टिव का होता है वो बहुत ज्यादा लॉस करता है इकोनॉमी कोई बता पाएगा इसमें है है आपका ये वाला, ये वाला एम्प्लीफिना आपने सुना है जानते हो लेकिन क्या है कि साइंटिफिक नेम दिए तो रुक गए जानते हो आप बस वही तो है ग्रेप्स में एंथ्रिक्नोज है ठीक है यही पूरा पूरा डिस्ट्रिक्टिव नेचर का होता है इसमें ठीक अगर आ गया तो ये लगाना ठीक अगर बहुत ज्यादा डैमेज कौन करता है तो ये बाकी आपका यहां से कितना क्वेश्चन निकल के आ गया पांच बन गए यहीं पे ठीक है अब मेरे ख्याल से इसकेट दिग्ड कुछ भी आए तो छूटना नहीं चाहिए बस ये है ठीक और डाउट रहे कि सर बोडो मिशन में ये सॉल्यूशन uh, uh, ऐसे रहता है क्या क्या रहता है आप भेजो कि इसमें ये है मैं आपको रिफरेंस दे दूंगा कि बेटा ऐसा है इसमें ठीक ये आ गया अब इसको तो मैं बताऊंगा नहीं आप ही लोग बताओ बता दिए सीधे सीधे कौन बताएगा इसको कोई बता हाँ बी ऑप्शन ठीक है सीधा सीधा आ गया इसमें आप साइंटिस्ट का नाम ऐड कर दो आपको पूरा का पूरा एक ऐसा बन रहा है पैकेज बन रहा है सीधा सीधा एक से रिलेटेड से कोई भी आया आप भैया डॉल्डो किस में खोज हुई किस साइंटिस्ट ने खोज की कौन सी ईयर में खोज की कौन से क्रॉप में खोज की और उस क्रॉप का साइंटिफिक नेम क्या है खत्म साइड कर दो और उसका इलाज भी तो बता दिया बॉडी मिक्सचर का रेशियो भी अब उससे कुछ बच गया क्या कुछ नहीं बचा ठीक है तो यही है कि थोड़ा क्लास थोड़ा सा डीले खिंचा रहा है लेकिन आपके एक क्वेश्चन में आपके साथ साथ पांच क्वेश्चन इंटू होता जा रहा है ठीक यहां क्लियर ये यह आपको बता मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ी आप ही लोग का क्वेश्चन रहा ये ठीक है हाँ अब आ गए हम लोग लाइम में आते हैं ठीक है ग्रेप्स का हो गया उतना बॉटनिकल नेम ऑफ एसिड कागजी लाइम कागजी लाइम का इसमें देखो लाइम के बहुत लाइम uh, बोल रहा हूँ सिट्रस के बहुत सारे कैटेगरी हैं सब लोग जानते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप लोग एक बार देख लो जो मेजर मेजर है ये ऐसे दिखते हैं ऐसे हाँ ठीक ऑप्शन सी है आ, ये आपका ठीक है और आप जैसे ये आगे देख लो ना ये आपका फोटो कैसे रहेगा कि आप फोटो से याद रखोगे तो हो सके ज्यादा अच्छे से याद रहे लाइम का पूछे थे आप है ना लाइम का क्या है आरोपिया यहाँ से याद रखो ठीक ये ऐसे दिखता है मेंड्रिन ऑरेंज ये सब अलग है याद एक भी मत समझ लेना ठीक है मेंड्रिन कैसे है रेटिकुलाटा साइंटिफिक नेम है साइनेंसिस आपका ऑरेंज का है ये लेमन का है ठीक है तो ये आपको फोटो भी डाल दिया हूँ साइंटिफिक नेम भी डाल दिया हूँ ताकि आप एक बार देखो तो दिमाग में बैठ जाए ठीक है और उसका ऑप्शन क्या किसने बोला सी वो एकदम सही है ठीक है किन्नो इज ए क्रॉस बिटवीन इसको तो रटना ही पड़ेगा किन्नो किन्नो जानते हो ना बहुत कम लोग जानते होंगे ये है किन्नो का ठीक है ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा ठीक है ये वाला है ठीक किन्नो का क्रॉस याद कर लो ये पूछ लेते हैं ठीक है ये वाला किन्नो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच प्लेस ऑफ इंडिया विच इज डेवलप बाई एच फ्रोस्ट ठीक है ये बोल रहे हैं कि एज बी फ्लोर्स है इंडिया के कौन से प्लेस में उनको इंट्रोड्यूस किए थे इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्शन मतलब जानते हो ना कहीं दूसरे जगह से अपने जगह पे लाना एक्सोटिक इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन ही है इंट्रोडक्शन ये नहीं परिचय देना नहीं है यहाँ पे ठीक है इंट्रोड्यूस कहीं दूसरे जगह से यहाँ लाके हमें इंट्रोड्यूस किए ठीक है तो इसका ऑप्शन ठीक है पता होगा तो बताओ ऑप्शन ए आएगा ए आएगा ठीक पंजाब आएगा इसका ऑप्शन ठीक है और उस पे ये देख लो ठीक है बाकी ये सब नहीं है और साथ ही साथ इसका क्रॉस याद कर लेना तो किन्नो का एक छोटा सा पैकेज भी हो गया प्रोपोगेटेड किन्नो इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय टी बडिंग अच्छा सिट्रस में ना एक ऐसा है कि एक कैटेगरी है जिसको सिर्फ उसी को सीड बस से करते हैं इसीलिए वो क्वेश्चन आता है बाकी के अलग अलग प्रोपोगेशन मेथड है कोई बता सकता है कौन सा अ, सिट्रस है जिसको सीड से करते हैं वही बस है बाकी को हम लोग अलग अलग मेथड से करते हैं किसी कोई आइडिया लाइव एसिड लाइम गुड एसिड लाइम ही ऐसा है जिसको acid हम लोग एसिड लाइम जिसको हम सीड से करते हैं बाकी चीजों को सीड से नहीं करते ठीक है उसके अलग अलग मेथड है पर्टिकुलर जैसे हो गया आपका ऑरेंज हो गया सबका अलग अलग है लेकिन एसिड लाइम ही उस कैटेगरी में ऐसा है कि आपका क्या होगा वो सीड से होगा ठीक है इसको लिख लेना या याद कर लेना इसमें यही है प्रोपोगेशन में इसको बहुत पूछते प्रोपोगेशन साइड से सस्तुमा एंड लड्डू वराइटी आप सस्तुमा लड्डू वरायटी किसका हो सकता है का का है ठीक है मैंड्रिड का है इसको लिख लो वैरायटी में इतना खासियत तो नहीं है लेकिन फेमस है ये ज्यादा फेमस है ठीक है फेमस है का फ्रूट टाइप ऑफ सिट्रस वही एक पेज वाला निकाल लो एक पेज में समझ आ जाएगा अब तक तो, तो मेरे को लगता है कि आप बता भी पाओगे की कितना बार आ गया आई बोल रहा हूँ कि वो एक पेज रखो खत्म करो कहानी इसका क्योंकि मैं जब आपको एरिल का फिर से बता दो एक बताया हूं लीची लीची का लीची। बताया जैसे ड्रूप का मैंगो बैंगो बेरी का ड्रिप्स अंगूरवावा बनाना हाँ बनाना ये सब आएंगे ठीक है वो चार्ट आप लोग कैसे भी कर को पढ़ लो बस उसका क्या है जो भी क्रॉप जाओगे ना हर क्रॉप में एक बार ये क्वेश्चन आएगा कि इसका क्या है इसका क्या है और साइंटिफिक नेम वाला वो अगर इस पीडीएफ से आपको स्क्रीनशॉट या कुछ करते नहीं बनेगा ना वो मैं आपको डॉग डाल दूंगा डॉग बना के ग्रुप में तो आप लोग उसको प्लीज प्रिंट करा लो अपने नहीं मेरे लिए करा लो कम से कम ये रहेगा कि जब बोल ली तभी देखो तब भी बहुत काम हो जाएगा हमारा ठीक है तो एक साथ आपका फ्रूट ऐसे हो जाएगा कि चलो भाई फ्रूट साइड रखो हम इसको खत्म करते हैं ठीक है इसके खत्म होते होते तक आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी रेंडम पूछे और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें भी उसके बारे में पता चल जाए है ना कि क्यों हो रहा है क्या हो रहा है ठीक ये फिर आ गया एडिबल पार्ट इसका बताओ कैसा रहता है एक रहता है, है ना

ये इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं पाइन एप्पल किसका वराइटी ठीक है ये है स्वीट ऑरेंज का वराइट सदगुड़ी एंड पाइनएप्पल ठीक है वराइटी में तो पढ़ना ही पड़ेगा इसका कोई वो नहीं है इसका कोई फीचर ऐसा नहीं है कि आपको हाईलाइट करके बताया जाए इसमें उतना क्वालिटी नहीं है बस ये पूछ दिया है कि वरायटी क्या है करके ठीक है तो इसका फीचर्स रहता तो मैं जरूर बताता इसमें अच्छे से एसिड लाइफ ये आ गया एसिड लाइम पूछा था अभी साथ साथ हो रहा है कि एसिड लाइम का क्या है सीड है ठीक है सीड के द्वारा सीड के द्वारा होता है ना ये ये बस अच्छे से याद रखना ये कम से कम मैंने दो तीन बार आंसर दे चुका है इसका मतलब मैं खुद ही क्वेश्चन पेपर में जब सॉल्व करता हूँ ना आंसर वंसर वो मिल जाता है प्रोपोगेशन ने आंख बंद करके दे देते हैं कि विच वन इज प्रोपोगेटेड बाई सीड ऑप्शन दे दे रहेंगे ठीक है चक्रधार इज ए सीडलेस वराइटी आप चक्रधार किसका वराइटी है है, है? लाइम मतलब से कोई आ गया तो इंडिकेट करता है वो कौन सा डिसीज है जिसको ये इंडिकेट करता है आप लोग एक बार इसको मत बताओ पहले फोटो देखो फिर बताना ये कौन से सिम्टम्स है और ये इंडिकेट क्या कर रहा है यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं हाँ अब बताओ ये ये डिसीज़ वाला प्लांट है ये डिसीज फ्री प्लांट है ये भी डिसीज वाला है डिसीज फ्री है ये भी ये फ्रूट डिसीज वाला है ये डिसीज फ्री है अब बता इनमें से कौन सा का ऐसा सिम्टम्स हो जाता है इनमें से पूरा का पूरा प्लांट को ही निपटाने का ये रखता है टारगेट रखता है अपना ठीक है अगर ये आ गया तो ठीक तो ये टिस्टेजा वायरस ना याद रखना टिस्टेजा वायरस का इमेजिन कर लो ये ऐसा है सिम्टम अगर सिम्टम्स भी पूछे कि होल प्लांट आर डेड और इवन ये ये ड्राई दिखाई देता है तो आप लोग को उसके सिम्टम्स भी समझ आएंगे ठीक है उसे देखने से ये आपको एक बार और क्लियरली देख लो ठीक है इसमें सांप एकदम अच्छे से दिख रहा है कि ये ऐसा पूरे देखो कैसे हो जाएंगे पहले आपको वो कलरलेस दिखेंगे फिर येलोइश हो जाएंगे फिर देखो प्लांट की कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब वो वायरस आएगा और उसके बाद अगर ये कंडीशन फ्रूट में हो गई तो ये देखो फ्रूट कैसे हो जाते हैं ठीक है बहुत डिस्ट्रिक्टिव नेचर का ये भी है डिस्टेजक खैर इसमें आते कैंकर सबसे ज्यादा है लेकिन ये आ गया तो भैया मैं सबसे बड़ा हूं वाला काम है इसका ठीक है नाम ही है वायरस पूरा का पूरा निपटा देगा ऑफ फ्रूट एंड हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ एक आपने ये सुनते हो ना ये सुनते हो क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स तो आपको टोमेटो याद आता होगा ना कि वो इतना बार आ चुका है वो क्वेश्चन कि वही लगता है ठीक तो है तो सुनिए आप क्रैकिंग ऑफ फ्रूट इन टोमेटो यस सर हाँ तो उसका क्या है बोरान टोमेटो में तो बोरान है हाँ इसका भी बुरा नहीं है ठीक है इसे से याद रख लो सिट्रस पटना ठीक ये आपका ये है ठीक है फोटो देख लो ऐसे फटे गए फटने का क्या फोटो देखना नॉर्मल ये देख बताने के लिए ये हार्ड ऐसे होगा ये स्किन हार्ड हो जाएगा ठीक है अब इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कैसे हो रहा है ये सिट्रस ऑफ फ्रूट एंड हार्ड ठीक है तो क्या होता है कि क्रेकिंग फ्रूट इसका ये तो जिंक बुरान आ गया ठीक है तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे टोमेटो की अगर बात करें तो क्या होता है बहुत टाइम तक पानी नहीं दिए उसको ठीक है पानी ही नहीं देते या कुछ कारण पानी नहीं दे पाए तो उसमें क्रैकिंग आती है ठीक है लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको ड्रल कंडीशन मिलना तो वो उस कंडीशन में क्रैकिंग हो जाती है ठीक है और इसमें बोरान का ही है क्रैकिंग ऑफ फ्रूट एंड हार्ट इसका सिम्टम्स वही है सिंपल सी है आ जाता है इसमें क्योंकि फ्रूट क्रॉप्स है ना इसमें क्या है डिफिशियंसी पूरा प्रोवाइड नहीं होता और कई फैक्टर उसके रहते हैं और वेजिटेबल्स में क्या होता है कि सबको मिल रहा है तो बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा ऐसा हो जाता है और इसमें पेंट पेंट टू मतलब ट्री टू ट्री ये डिपेंड करता है ठीक है तो ये रहता है और इसके उपचार के लिए नाम से इसका पता है नाम से कोई बता सकता तो कौन से केमिकल नाम से ही पता चल जाएगा बी से क्या करते हैं बी से एसिड लिटिल लीफ एंड डाई बेक ऑफ सिट्रस ड्यू टू लिटिल लीफ और डाइबेक का डिफिशियंसी किसके कारण होता है सॉरी जिंक के कारण होता है ठीक है कॉपर एक जिंक आया था क्या? एक और आएगा ना, उसमें देखते हैं। हाँ ये कॉपर के कारण होता है सॉरी ये वाला कॉपर के कारण होता है ना लिटिल लिंक ठीक है ये वाला लेकिन ये ना क्या बोलते हैं इसेंस में ना जिंक भी दिया हुआ है ठीक है मैं आपको और इसको अच्छे से कंफर्म आपने किस बुक से है इसको से पढ़ा है क्या नहीं सर में भी कॉपर ना मैं आपको फोटो भेजता हूँ उसमें क्लियर कराता हूँ और हो सके मैं टेक्स्ट बुक ताकि वो ज्यादा प्रीफर यही दिक्कत है का कि नेमराज में अलग है और ग्लास्टस में शायद यही दिया है और इसेंस में ना अलग दिया है ठीक है तो इसको मैं आपको कन्फर्म करा के भेजूंगा ठीक इसको और इसको मैं टेक्स्ट बुक से भेजूंगा आपको जिसमें आपको लिखा हुआ दिखे वो वाली चीजें चैलेंज में एक्सेप्ट किया जाता है ठीक है तो क्योंकि सुंदर से आप चैलेंज करोगे उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ठीक है किसी को पता है यहां से लीफ माइनर देखो लीफ माइनर जब आएगा ना तो क्या होता है पहले सिम्टम देख लो ये है लीफ माइनर वाइन्स टाइप बन जाती है ये ऐसे अंदर से पूरा लीफ माइनर ऐसे पूरा आ जाता है ठीक है तो ये है अब ये इसमें कुछ रह ही नहीं गया तो ये क्या हो गया झड़ना स्टार्ट हो जाएगा फॉल हो जाएगा तो इसी से मैंने इसको याद किया था अपने टाइम में आप लोग भी ऐसे कर लो फाइलो फॉल हो जाता है कि मतलब ना लीफ माइनर आया तो वाइन में घुसा अब बेचारे बस कुछ है ही नहीं तो फॉल हो जाएगा तो उस हिसाब से आपको याद रहेगा फाइलो आ, फाइलो निक्टिस सिट्रेला तो फाइलो से याद रखोगे आप पूरा इसको भी मत मत देखो देखो पीछे आगे ही मत देखो। आपको याद होगा अरे लीफ माइनर में तो वाइन में होता है और बेचारा फॉल हो जाता है हालांकि फॉल का स्पेलिंग नहीं है लेकिन हमें रटना है ये चीजें तो कोई वो नहीं है ना कि अरे ये रीजन से फाइलो बना है ऐसा नहीं तो आपको याद होना चाहिए ये मैटर करता है ठीक है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है फाइलो निस्टिस सिट्रेला ठीक है फॉल से याद रखना ये वाले चीजे से ठीक इसका लीफ माइनर का और ये सिम्टम्स कुछ इस तरह के दिखते हैं ये वाले ये पूरे दिख रहे हैं आपको यहाँ पूरा वाइन से इसका निपटा दिया है ऐसे फिर सेवरल कंडीशन में हो जाएगा ग्रीनिश डिसीज ऑफ सिट्रस विच कॉस्ड बाई ये ट्रांसमिटेड बाई ये जो आता है ना तो आप लोग जानते हो ये माइको माइको उसमें चला जाता है ना माइकोफाइला में तो इससे हमेशा जो रहता है ये रहता है साइला आता है यही मेर रहता है एक शायद इसका ना ब्रिंजन में भी शायद ऐसी कुछ होता है उसका बताऊंगा मैं ब्रिंजल का क्या है ठीक है तो ये वाला टर्म आता है ना माइको वाला तो यही रिस्पॉन्सिबल होता ये as, uh, syla, है ये फाइला साइला ठीक है यही रहता है इसका ठीक तो ग्रीनिंग ग्रीनिंग डिसीज इसी को येलोइंग बोलते हैं ग्रीनिंग से ये मत बोलना कि हरा हो रहा है ठीक है याद रखना येलोइज भी बोलते हैं इसको येलोइज करके आता है ठीक है ये इसका ग्रीनिश का स्लैश करके लिख लेना ठीक और ये वाला टर्म देखते हो ना तो पहले ढूंढा करो ये कहाँ है ये, ये महोदय कहाँ है उस टर्म के रिलेटेड ठीक है मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ सिट्रस इसको कौन बताएगा मोस्ट कॉमन सिट्रस कैंकर कैंकर ठीक है ये हमेशा ही आता है हर जगह और ये ऐसा है कि हर जगह पहुंच जाएगा स्टेम में भी लीफ में भी और फ्रूट में भी तीनों में दिखता है ये ठीक है ये रहा ये तो खैर ऐसी डाला हूं इसका रिस्पॉन्सिबल वो कौन है जेंथो ये वाला ठीक है और ये तीनों जगह पहुंचेंगे लीप स्टेम एंड फ्रूट ठीक है और ये सबसे ज्यादा इनको डैमेज करता है ये और सभी को करता है कॉमन डिसीज है लेकिन इनमें ज्यादा आता है ठीक अब देखो इसका क्या होता है ये चूंकि क्या है बैक्टीरियल है ठीक है अब बैक्टीरियल का मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है किसी को पता है कि वो कैसे जाएगा किस, कैसे एंट्री करता है सपोज ये प्लांट है हमारा और ये बैक्टीरियल यही कुछ है ये बैक्टीरियल यही कुछ है कहीं पे है होस्ट में तो इसमें एंट्री कैसे करता है एकदम सिंपल से आपको पता है बताऊंगा तो याद भी आ जाएगा किसी कोई बताएगा कैसे एंट्री करता है ये बस बताओ डैमेज होता है प्लांट तब ये आपको पता होगा पता भी होगा वो बस पूछा हो शायद समझे ना यहाँ डैमेज जैसे ही होगा ना बैक्टीरिया का काम ही है जहां डैमेज होगा वहीं जाएगा मतलब उनका एंट्री वही है प्लांट अगर हेल्थी है तो नहीं घुस पाएगा स्टोमा ये सारी चीज नहीं जाता है डैमेज है मतलब वो जाएगा ठीक है तो इसका इलाज अभी से हम कैसे करेंगे प्लांट को डैमेज होने से बताएंगे अब डैमेज होने से कैसे बचाएंगे कि हम मशीनरी का सही से यूज करें या मशीन का हम लोग केमिकल से ट्रीटेड करें स्प्रे कर दे फिर उसको मशीन को ले जाए ताकि हमारा प्लांट डैमेज ना हो और डैमेज नहीं होगा तो एंट्री का चांस ही नहीं बनता एकदम सिंपल जीरो खर्चा पे ये मैनेज ठीक है और फिर उसके बाद बहुत से और मेथड है वो अपना करना चाहिए क्वारंटाइन वाली चीज है कि हम जो प्लांट ला रहे हैं क्योंकि बैक्टीरियल है वो तो घुस चुका रहेगा कटिंग वोटिंग करके ला रहे हैं ठीक है तो क्वारंटाइन करके करें तो ये इसका सिंपल वे रेमेडी का कि मशीन को हम लोग ट्रीटेड कर दे ध्यान रहे कि प्लांट डैमेज ना हो ठीक है ये है इसका मिल्की लेटेक्स ऑफ सपोटा प्रोड्यूस फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सपोटा प्लांट देखो मिल्की मतलब दुधिया टाइप निकलेगा ना अब आप लोग इसको मत देखो ठीक है हम लोग आप ही लोग बताओ कि जब हम किसी पेड़ को मारते हैं या किसी को मारते हैं पपाया को तो आपने जनरल देखा होगा हम पके पपाया को तो नहीं मारते या मतलब मारते हैं या कच्चा को मारते हैं तो किन में मिलता है आपको उसका पिपेन जो निकलता है कौन से टाइप में मिलता है पका, तो पका मेच्योर पपीता में कच्चा पपीता में सीधा सी बात यहाँ से घूम के आ जाओ आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इमेच्योर ठीक तो इमेच्योर लेकिन पपीता के सिर्फ फ्रूट में मिलता है क्या मिल्की लेटेक्स उसके किस में रहता है स्किन में भी तो सेम प्रोसीजर सपोटा में भी होता है तो स्किन में भी निकलता है अब स्टेम को स्किन ही तो बोलेंगे ना उसमें भी निकलेगा तो ये क्या होगा आपका बोथ आएगा ठीक है ठीक वहां से यहाँ से प, पपेन को भी समझ लीजिए वो भी होता है ठीक है मेच्योर में होगा और यहाँ पे छाल दिया है बाहर तो इनसे भी मिल्की लेटेक्स वही टर्म है कोई नया भारी चीज नहीं है दूधिया निकलना अगर प्लांट को डैमेज कर दे या कुछ करे तो दूध जैसा स्ट्रक्चर निकलता है ठीक तो वही है सपोटा में से निकलेगा और बार कैसे निकलेगा तो इसका आंसर आपका बोथ आएगा ठीक है नेचर ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लावर आपने ये अच्छा प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी और क्लिस्टोगी ठीक अब देखो ये दोनों के पहले ये टाइप्स है किसके डाइकोगामी अब डाइकोगामी होता क्या है समझो देखो डाइकोगामी क्या होता है मेल और फीमेल का डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होना बात खत्म मेल और फीमेल का डिफरेंट टाइम पे ग्रो करना मतलब मेच्योर होना ठीक मेल फीमेल हो रहा है वो डाइकोगामी अब हम बांटेंगे डाइको ये सॉरी प्रोटो गायनी अब गाइनी है फीमेल बताया गायनी से याद रखो और ये यहाँ जो ड्राई है वो मेल तो जो डेफिनेशन पे गए थे उसमें क्या बोल रहे थे कि जो प्लांट है उसका मेल और फीमेल है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मेच्योर होगा अब जब फीमेल जब मेच्योर होगा ना फीमेल जब मेच्योर होगा ना पहले अब होता रहा है मेच्योर तो कोई ना कोई तो पहले होगा कोई ना कोई, कोई बाद में होगा तो जो पहले मेच्योर होगा उसको हम बोलेंगे फीमेल फीमेल अगर मेच्योर हो रही है प्रोटोगैनी फीमेल पहले यहां गैनी से आप लोग जानते हो गायनोकोलॉजी ये सब टर्म है ना तो प्रो मतलब प्रो मतलब डोमिनेट या डोमिनेटर प्लेयर प्रो प्लेयर बोलते हैं ना वही प्रो तो गायनी तो सबसे पहले हमारा दो एक टाइप आया कि मेल फीमेल का एक साथ अलग अलग टाइम पे मेच्योर होना अगर फीमेल मेच्योर हो रही है तो प्रोटोगाइनी मेल मेच्योर हो रही है तो प्रोटेंड्री ठीक है ये इसका टाइप्स हो गया ठीक और ये क्लिस्टोगा का याद रखोगे तो इससे होता है कि इस ये दोनों में एक ही टाइम पे मैच हो ही नहीं होते दोनों ठीक है एक ही टाइम पे नहीं होते इसका सिंपल सा अब देखो सपोटा कैसे नेचर का होता है तो सपोटा आपका होता है इसका रुको आगे और प्रोटेन प्रोटेन नहीं प्रोटो रुको इसमें क्या होता है ना गायनी है इसका गाय हाँ गायनी से याद रखो इसका अलग है देखो बताता हूँ का होगा Anonis जानते हो आप लोग एक सीताफल है ना जितने भी अनोनस की स्पीसीज है सीताफल तो सिर्फ एक ऐसा है सीताफल में जो प्रोटेंड्री होता है मेल उसका पहले मेच्योर होता है बाकी सारी चीजें प्रोटोगाइनी होगी इसीलिए उस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कौन सा अनानास फैमिली पूछ देते हैं क्योंकि अनानास में बहुत सारे आते हैं सीताफल राम फल और हनुमान फल लक्ष्मण फल बुलह बहुत सारे आते हैं ठीक है तो स्पीशीज लिख देते हैं लेकिन कोई एक ऐसा है जो इसमें आता है ठीक है तो इसमें जो आता है क्या नहीं सीताफल नहीं आता है मूरी काटा रामफल अनोनस ठीक है अनोनस मूरी काटा अनोनस मूरी काटा ठीक है ये है याद रखना राम जो है जो राम जी है वो इधर आ, इधर आएंगे बाकी जितने भी आपको आएंगे इधर आएंगे ठीक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूज आते हैं अनोनस को सब इसमें पढ़े रहते हैं क्योंकि स्पीशीज करके दे दिया रहता है तो सब यही समझ लेते हैं ठीक है तो इसका आएगा अनोनस ये मुरी काटा अब देखो इसका साइंटिफिक नेम याद करने का बड़ा यूनिक तरीका था मैं अपने टाइम में किया था अनोनस का कैसे याद किया था देखो अः सिक्वे मोसा सीधा एक याद कर लो सिक्क मोसा सीताफल का है ठीक है जो डोमिनेंट लेवल राम का कैसे याद किया था राम जी से मैंने रामायण से याद किया था राम जी ने मुरी काटा जो गला होता है ना मुरी अपने छत्तीसगढ़ मूड़ उड़ बोलते हैं ना वही मुरी काटा तो ये राम फल याद रखना मूरी काटा था ऐसे टाइप का तो अनोनस काटा राम फल का अब लक्ष्मण जी का लक्ष्मण फल भी होता है ना तो लक्ष्मण जी कैसे नेचर के थे एटीट्यूड वाले थे थोड़े अकड़ से रहते थे ना तो अनोनस एटी मोया एटी मोया है उनका साइंटिफिक नेम तो याद रखना एटीट्यूड से बना है उनका एटीट्यूड ठीक साइंटिफिक नेम आया तो और आ गया हनुमान फल भी होता है हनुमान फल का हनुमान जी क्या थे शिष्य थे चेला थे तो उनका साइंटिफिक नेम है अनोनस चे, चेरी चेला चेरी ठीक जो राम जी के चेला जो भक्त थे है ना तो चेरी लक्ष्मण जी क्या थे एटीट्यूड से थोड़े उनके नेचर अकड़ में रहते थे हमेशा ब्रह्मांड कर देंगे ये कर देंगे करके तो एटीट्यूड एटीट्यूडी और राम जी ने तो सीधा हालांकि ना भी नहीं मारा था लेकिन हमें क्या याद रखने के लिए मूरी काटा ठीक और सीता जी का याद रखो सिक्वेमोसा ठीक उसमें बुलक हक और बहुत सारे आते हैं लेकिन मेजर मेजर आपको याद करने का तरीका रामायण से आपको चार साइंटिफिक नेम याद होगा ठीक अब इसके बाद शायद ये क्वेश्चन एंड हो गया एक हमारा क्वेश्चन डाउट वाला रह गया ना वो मैं करा देता हूँ उसको भेज दूंगा आप लोगों को बाकी इनमें से कोई डाउट आप लोगों को हेलो आवाज आ रहा है ना नो डाउट सर हाँ तो और अगर एक बार और एनालाइज करो अगर आगे आ गया होगा बाद में अपने पे देख के ठीक है तो वहां आप लोग के बुक से वही रहता है कि नेमरा से पढ़ोगे ग्लास्टर से पढ़ोगे इंस्टेन से पढ़ोगे इसेन से पढ़ोगे तो कभी कभी उन्हें फ्लक्चुएट रहती है ठीक है तो आप मुझे भेजो मैं भी एनालाइज करूंगा कि मेरे बुक में क्या था फिर मैं टेक्स्ट बुक मैं प्रिफर करता हूं उनमें से आपको टेक्स्ट चीजें भेज दूंगा ठीक है ताकि आप लोग का क्लियर हो और हो सके तो जितने भी हैं उनका भी क्लियर ही हो जाए ताकि भेजने से क्या होता है एक बार लोग देखते हैं अरे हाँ इसका ये है तो याद होता है

कौन सा वाला लिटिल हाँ ठीक है दोनों हाँ दोनों करता हूँ मैं और और कौन सा मेरा डाउट रह गया बाकी में तो नहीं है ना डाउट ठीक है ये तो क्लियर हो गया प्रोटोगाइनी प्रोटेन ये एक बार थोड़ा देखोगे तो आ जाएगा आप लोग बोलोगे तो टेबल फार्म में मेरे पास बहुत कुछ चीजें है वही मैं ग्लास्टासी प्रिफर करता हूं क्योंकि सबसे इजी वे में ना सबसे सही चीज है आप प्लीज उसको निकाल लीजिए फ्रूट वाला आप ही के काम का है वो अभी नहीं तो कभी भी अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हो हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे तो आपको हमेशा काम आएगा वो आदमी कॉमन भी पूछेगा तो वहीं से पूछता है इसका फ्रूट क्या है इसका फ्रूट क्या है तो आप एक बार देख लीजिए उसको ठीक है अगर जिसको चाहिए डॉक में तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में आप प्रिंट करा लीजिए ठीक है वो सारी चीजें क्योंकि आपने दो दिन हो गया स्लाइड देखते हुए खाली वो दो चीजें रिपीट हो रही है कम से कम हर बार दो क्वेश्चन आ जा रही है हमारे लिए है ना तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि जो हमें पता है वो हमारे हाथ से बस मच जाए हमें नहीं पता नो no डाउट हमें नहीं अखरेगा लेकिन जो पता है वो हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक नंबर हमें कम से कम 200-300 स्टूडेंट के पीछे ले जाएगी इस चीज को अपने ध्यान में रख के चलो इसीलिए मैं डाउट होता हूं तो मैं रुक जाता हूं खुद तुमसे पूछता हूं कि कौन सा बुक है मैं फिर प्रीफर करूंगा उस बुक को मैं डाउट को निकालूंगा उसके बाद ही तुम्हें बताऊंगा कि मेरी वजह से तुम लोग का एक नंबर का डैमेज भी ना हो ठीक है तो ये चीजें आप लोग देख लो अच्छे से एनालिसिस कर लो फिर बताओ ठीक है और इसके अलावा कोई डाउट हो तो और बोल देना कि सर इस नंबर पे थोड़ा सा है आप ग्रुप में नहीं बोल सकते पर्सनली बोलिए या वीरेंद्र सर को बोलिए मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड करा दूंगा चीजें ठीक है अगले क्लास में उसको समझा भी दूंगा अगर आपको दिक्कत है कि ये सर समझ नहीं आ रहा है क्यों आ रहा है ठीक ठीक है फिर क्लास एंड करें आज का यस सर ठीक है थैंक यू थैंक यू